This is UMA Channel, Sky 820. The contents of this programme may not necessarily represent the views of UMA Channel. Eid al Sa'id, let's enjoy this happy day. Eid al Mubarak, come on, let's celebrate. Eid al Sa'id. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Main hoon Shakil Salam aur aaj ke special Eid show mein aapki khidmat mein hazir hoon. Aap sab जहाँ कहीं भी हूँ ईद की खुशियाँ आपको मुबारक हों। उम्मीद है कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा होगा और आज ईद की खुशियाँ भी आप उसी तरह मना रहे हों जिस तरह आपने रमज़ान का इस्तकबाल किया था। आज एक खूबसूरत अंदाज में ईद मना रहे हैं। ईद के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अपने दो मेहमानों से और इसके साथ साथ आपसे भी बातें होंगी। अगर आप ईद का कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। ईद कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, क्या कुछ हो रहा है आपके इलाके में और ख़ास तौर पर खाने पीने के हवाले से। मीठी ईद है और मीठी ईद की मुनासबत से बहुत कुछ खाने को भी मिल रहा है। इस हवाले से भी अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। आइए आज हम तारफ़ करवाते हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो बहुत सी बातें करेंगे और क्योंकि सेहत का एलिमेंट इसमें आता है तो सेहत पर भी बातें होंगी और कुछ हल्की फुल्की बातें भी होंगी। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद एहसानुल हक साहब, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, ईस्ट लैंकशायर में काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक जी। वालेकुम सलाम जी, आपको ईद मुबारक। क्या हाल है आपको जी? ठीक ठाक शुक्रिया। ईद कैसी गुजरी? ईद जी बड़ी ज़बरदस्त गुजरी। रमज़ान जब आने वाला था तो बड़ा लोगों को डर था कि पता नहीं बड़े लंबे रोज़े होंगे, बड़ी गर्मी होगी, 18-19 घंटे हम भूखे प्यासे कैसे रहेंगे। तो कैसा लगा, एक महीना कैसे गुजर गया? बड़ा जी अल्लाह का बड़ा फजल रहा है। रमज़ान से पहले तो आप सोचते हैं जी कि बहुत लंबा दिन होगा, गर्मी होगी, लेकिन यकीन माने कि ये महीना इतना तेज़ी से गुज़रा कि पता भी नहीं चला। शब रोज़ ऐसे गुज़रे कि जब रमज़ान रुख्सत हुआ तो यही था कि इतना जल्दी कैसे रुख्सत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल जी। और मेरे दूसरे मेहमान आपके जाने पहचाने, माशाल्लाह कई दफ़ा हमारी सेहत प्रोग्राम में और उम्मा चैनल पर आ चुके हैं, डॉक्टर इरफान ज़फ़र। लैंकशायर में एक अरसा से वो जीपी के तौर पे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ईद ईद कैसी गुजरी आप? बहुत ही अच्छी गुजरी जी हमारी ईद। हमने मेरी जो है वो पहले तो सुबह सुबह हमने एक दावत में गए, दोस्तों की एक दावत थी जिसमें हमारे सारे जो करीबी दोस्त थे उनमें फैमिलीज के साथ, फिर बाद में फैमिली की जो ईद थी वो अलग से हमने मैनचेस्टर में गुजारी। तो ईद सारी फैमिली की होती है और फैमिली में रहना है। लेकिन बहुत से खाने को भी बहुत कुछ मिलता है। एक डॉक्टर होने की हैसियत से कभी आपने वो कोई क्रिटिसाइज़ किया कि ये बहुत इसमें तेल ज़्यादा है इसमें? देखिए जी रमज़ान में जो है वो एक बड़ा एक मुकद्दस महीना है हमारा और रमज़ान में अभी देखने में आया है कि पिछले अगर आप 15-20 साल पहले देखें तो आज कल जो आप देखें तो लोगों में जो सेहत के बारे में जो मालूमात हैं वो पहले से बहुत बेहतर हैं। आजकल जो पर्टिकुलर ख़ास तौर पे जो हमारे जो यूथ है वो खाने में एहतियात करते हैं बहुत करते हैं। तो हमारे इसी लिहाज से हमारे जो डिशेज़ हैं वो वक़्त के साथ साथ कुछ तब्दीली उनमें आई है। तो ईद के दिन तो खैर आपको है कि हर चीज़ पे जो पाबंदियाँ होती हैं वो उठ जाती हैं। वो दिन माफ़ी है, उस दिन माफ़ी का दिन होता है। तो उस दिन खुशियों का दिन है, उस दिन लोगों को एक मिल बैठने का मौका मिलता है और ख़ानदान में। तो इसमें देखने में आया है कि अभी ज़ाहिर है इन सालों में हमने देखा है कि ईद के जो पकवान हैं वो मज़ेदार तो होते ही हैं लेकिन वो सेहत के लिहाज से भी मैंने देखा है कि आजकल जो पकवान बनते हैं जो हमारे घरों में वो निस्बतन बेहतर होते हैं और वो उनमें इनका जायका भी बेहतर है और उनमें जो है वो जो ना सेहतमंद पकवान थे वो कम ही देखने में आते हैं आजकल। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है। तो इसमें मुझे बिल्कुल कल मैंने दो दावतें अटेंड की, बल्कि तीन मैं कहूँगा कि सुबह नाश्ते से लेकर रात तक तो उसमें बहुत सी दावतें थी। तो उसमें तरह तरह के पकवान थे, कई डिशेज़ थी हर दावत के अंदर।
आपकी फेवरेट डिश ईद पे फेवरेट डिश क्या है आपकी? मुझे सादगी पसंद है और मैं सादगी पसंद है। सादगी किस डिश का नाम है जी? मुझे ज़रा डिशेज वो चार चीज़ें पसंद हैं जिसमें बिल्कुल सिंपल डिशेज होती हैं। अच्छा, तो चूँकि हमारा जो मेरा ताल्लुक है वो है आज़ाद कश्मीर से, जैसे आप जानते हैं, तो हमारे कश्मीर में तो वो एक उबले चावल और वो जो है लोबिया मोठी की दाल जो है, ये तो बड़ी ही कॉमन चीज़ है। तो हम लोग उस पर ही बचपन से एक आदत है। तो मैंने कहा ना कि एक दाल चावल और सालन मुर्गा जो भी मिल जाए, तो मुझे मैं खाने में बहुत मुझे कम जो है वो तकलीफ़ होती है कि जितना सादा खाना हो मैं उतना ही खुश होता हूँ। सादा खाना, लेकिन ईद पे तो खैर रंग रंग के खाने होते हैं। डॉक्टर साहब एहसानुल हक साहब, अगर आपसे आएँ तो आपकी ईद की फेवरेट डिश क्या है? क्या मैं मुझे पता है कि आप खाने पीने में माहिर हैं, और माशाल्लाह ये जो पेट पूजा ग्रुप है जी वो तो बाकायदगी से खाने में माहिर है, और उसके आप एक्टिव मेंबर हैं जी। जी, ये छोटी ईद नेचुरली जो है ना, सवेरे आगाज़ तो सेवियों से होता है। सेवियों से होता है वो, शेर खुरमा जो है ना हमारे घर में, शेर खुरमा स्पेशली बनता है जी वो। अच्छा। सवेरे खा के तो उसके बाद नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। नमाज़ पढ़ के आके तो कुछ अरसे से हमारी ट्रेंड है कि हमारी कोई 7-8 फैमिलीज़ हैं, वो हम इकट्ठा फंक्शन करते हैं किसी एक घर में, कभी हमारे घर में, कभी दूसरे घर में। अच्छा, बारी बारी। तो उसमें ये होता है कि सब इकट्ठे होते हैं और सिंगल डिश जो है ना, हर फैमिली जो है ना एक दो बिल्कुल ठीक है वो बना के ले जाते हैं। तो इस तरह फिर एक टिकट में कई मज़े आते हैं जो है ना, एक टिकट में कई मज़े, ये सिंगल डिश का सिस्टम बिल्कुल। और बहुत सी बातें हमें सीखने को मिलेंगी जी, हम बिल्कुल यही वजह है कि आज हम इस शो में बात कर रहे हैं खाने पीने की, क्योंकि पूरे रमज़ान में हमने इस पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया, ज़्यादा बातें नहीं की, और आप लोगों का भी एक इम्तिहान था जिसमें आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको निभाया। आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, आप कैसे ईद मना रहे हैं आप ही बता सकते हैं, आपकी फेवरेट डिश क्या है। और जब शेर खुरमे की और सेवियों की बात होती है, सादगी की बात होती है, तो उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या करते हैं। और सिंगल डिश का जो प्रिंसिपल मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उसमें यह है कि सारी फैमिलीज जो हैं वो मिलके एक एक डिश तैयार करके एक घर चली जाती हैं, और ये भी कंसेप्ट है। क्या आपने भी कभी इसको अपनाया? अगर आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, लाइव कॉल है, वो नंबर आप डायल कर सकते हैं 01254695607, या आप टेक्स्ट कर सकते हैं, जो भी तरीका आपके लिए आसान है आप कर सकते हैं। तो डॉक्टर एहसान साहब, अगर आपसे बात की, माशाल्लाह सर्जन होने के हैसियत से आप लोगों की जो हड्डियां और जोड़ों का बड़ा ख्याल रखते हैं, और ये जो तरावी में तो जोड़ काफ़ी काम करते हैं, ये तो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग मैंने देखे हैं जब आप मस्जिद में जाते हैं तो बहुत से लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है, वो नमाज भी जो है ना वो खुद नहीं पढ़ सकते, उनको कुर्सी पर बैठना पड़ता है, तो बड़ी तकलीफ़ दे अमल है उसमें। यह जी कि जो तरावी है, तरावी में तो आपकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, उसमें ये होता है कि रमज़ान में जो हमारे लोग जो जिम वगैरह में जाते हैं जो है ना, तो वो जिम छोड़ देते हैं जो है ना, नेचुरली आपको 19-19.5 घंटे का आपका रोज़ा है। बिल्कुल, तो मुश्किल तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप दोबारा फिर एक्टिव हो जाएँ। एक तो आप जो है ना वज़न तो रमज़ान की वजह से माशाल्लाह काफ़ी लोगों का कम हुआ, कुछ का ज़्यादा भी हो जाता है वैसे कम, ये मैं पूछेंगे अभी, ये सवाल मेरे ज़हन में है, क्योंकि ये कम होता है ज़्यादा से और कुछ कम हो गया है तो उसको मेंटेन करें और दोबारा जो है ना वो जिम एक्टिविटीज़ जो है ना वो शुरू कर दें, आपके जोड़ जो है ना वो सही हो जाएंगे। पर्टिकुलरली जो नीज़ जो है, नी जॉइंट की जो कंप्लेंट ज़्यादा होती है दर्द की, वो उन लोगों में होती है जिनका वज़न जो है ना, कई और भी वजूहत हैं, लेकिन वज़न ज़्यादा हो तो ये जो है ना बड़ा बड़ा फैक्टर है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा एक्टिव हो जाएं, एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें, गाड़ी को छोड़ दें, और वो नहीं करनी तो यहाँ का मौसम कुछ अजीब सा होता है, बारिश आज ठीक है, आज तो मौसम ठीक है, आज कंप्लेन नहीं कर सकते आज के, एक्सरसाइज बाइक पे चले जाएं, बिल्कुल बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं। तो आप अगर अपने जॉइंट्स को एक्टिव रखेंगे, वज़न कम करेंगे, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। बहुत सी बातें जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वज़न कम करने वाली बात है कि रमज़ान में ज़ाहिर है हम एक खाना तो बिल्कुल नहीं होता, तो सहरी और अफ्तारी में 18 घंटे का फ़र्क है, उसमें हम पीते भी नहीं हैं, कुछ खाते भी नहीं हैं, तो ज़ाहिर है यू नो असूलन तो हमारा वज़न कम होना चाहिए, लेकिन अक्सर जब अफ्तारी की बात होती है तो हम पता नहीं टूट पड़ते हैं और उसका वज़न जो है कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाता है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए एक चीज़ जो है ना,
अभी अब हमारे नाज़रीन को भी इस चीज़ का मुकम्मल अंदाज़ा होगा कि अभी हमने एक महीने के रोज़े रखे हैं और अगर आप अपनी ख़ुराक को अगर हम देखें कि इस महीने में एवरेज, में इंडिविजुअल की बात नहीं करूँगा, एवरेज अगर आप देखें कि हमने पूरे महीने में ज़्यादातर जो लोग हैं हम लोगों ने एक दफ़ा का खाना सही तरीके से खाते हैं। अगर सहरी करते हैं तो इफ्तारी यूजली इतनी बड़ी नहीं होती है, और गिरफ्तारी करते हैं तो सहरी के लिए जो कि वक्त नहीं था दरमियान में, तो 3-4 घंटे का वक्फ़ा होता है। तो ये हमने देखा है कि हमारे जो है भूख वो हम ईज़िली मैनेज कर सकते हैं, जो पानी है, जो प्यास है उसका मसला होता है, लेकिन जितने भी अगर आप लोगों से आप अगर मिलें और बात करें तो हर बंदे का कहना यही होता है कि भूख का इतना मसला नहीं है, प्यास का मसला है। तो ये चीज़ हमें साबित करती भी है कि ख़ुराक जो हम आम दिनों में जितनी खाते हैं उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, और अगर हम अपने वक्त के हिसाब से अगर हम चलते रहें तो वज़न तो कम होता है। तो जो अक्सर लोगों का वज़न रमज़ान में कम होता है उसकी वजह यही है कि अब सुबह जो सहरी की तो पूरा दिन अब 18 घंटे जो डेली की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं वो एनर्जी यूज़ होती है, तो रात को हम इतना एक लिमिट ही है हमारी जो हम खा सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं खा सकते। और अगर हम वही लिमिट खाएंगे सुबह फिर 3 घंटे बाद भूख नहीं लगती है क्योंकि मैदा भी खाली नहीं हुआ होता। तो इसमें अगर आप देखें तो वो पूरा हमें इतनी कैलोरी जितनी तवनाई जो हम रात को खाते हैं वो 24 घंटे तक चलती है, और इसमें अगर इतनी उसी खुराक को अगर हम दिन में अगर डिवाइड करके खाएं तो हमारा वज़न नहीं बढ़ेगा। तो हमें एक अंदाज़न हो जाता है कि इतनी खुराक हमें चाहिए 24 घंटे के अंदर, और इसको अगर हम उसमें 5 या 4 पोर्शन में डिवाइड करके खाएं तो भी हम बड़े आसानी से ज़िंदा रह सकते हैं। तो रमज़ान के जो फ़ायदे हैं वो बेइंतहा फ़ायदे हैं। तो रमज़ान में रोज़ा में रखा तो ईद पे हम लोग उसको ज़ाया ना कर दें, ये भी है ना कि उसमें जितना हमने किया तो बस एहतियात ये रखें, मज़े मज़े के पकवान हम ज़रूर खाएँ। और आज एक दिन तो माफ़ी है ना, माफ़ी तो है, बिल्कुल माफ़ी है, बिल्कुल माफ़ी है। खाने दें जिनको खा रहे हैं बेचारे खाने, आज खा लें, लेकिन कल से जो है वो एक अहद कर लें कि हमने अपना वज़न कम करना। और हरकत में बरकत, जब हम बात करते हैं हरकत में बरकत की तो उसमें एक चीज़ आती है कि हमें अपने एक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो नीज़ हैं क्या इनकी कोई, क्यों ये हमारा साथ छोड़ जाती हैं उम्र के साथ साथ, अक्सर लोगों को इसको रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है? देखिए जी, उम्र के साथ साथ तो हर चीज़ साथ छोड़ जाती है। अच्छा। और किसी गाड़ी की मिसाल ले लें, हाँ, उसका क्लच ख़राब हो जाएगा, उसकी टायर ख़राब हो जाएंगे, उसका गियर बॉक्स ख़राब हो जाएगा, तो उम्र के साथ साथ चीज़ें घिसती रहती हैं, लेकिन उसके फिर हल भी हैं। जिस तरह आपकी कोई गाड़ी का टायर ख़राब हो गया आप नया टायर डलवा लेंगे, इसी तरह अगर घुटना ख़राब हो गया घुटना भी नया डलवा लें आप जो है ना। लेकिन उससे पहले कई और तरीके हैं कि ज़रूरी है कि आप स्ट्रेट पे जो है ना घुटने में रिप्लेसमेंट भी चले जाएंगे। पहले जैसे कि मैंने जिक्र किया, वज़न कम करें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि जब आपके मसल स्ट्रांग होंगे तो वो लोड जो है ना वो शेयर कर लेते हैं। उससे जो है जब लोड शेयर होगा तो नी के जो बोन्स हैं उन पर उसका कम असर होगा, उसकी वजह से लोड शेयरिंग वजह से आपका जो दर्द जो है ना वो कुछ कम हो जाएगा। उसके बाद हम फिजियोथेरेपी के लिए लोगों को एडवाइस करते हैं। फिजियोथेरेपी बेहतर है कि आप अपनी एक्सरसाइज करें तो वो आपके मसल स्ट्रांग होंगे। फिर हम आगे अगर थोड़े चले जाएं तो अब देखना ये होता है कि घुटना उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है। अगर तो उसका आर्थराइटिस है, वेयर एंड टेयर है, तो वो तो उसमें प्रोग्रेस करना ही करना है। लेकिन दो बोन्स के दरमियान एक कार्टिलेज होती है जिसे हम मेनिस्कस कहते हैं जो है ना, अगर वो टेयर हो गई है तो उसका फिर इलाज है, इससे हम की होल सर्जरी कहते हैं, कैमरा डाल के देख लेते हैं उसको, ट्रिम शेव कर देते हैं ताकि वो जो रफनेस है ना वो इम्प्रूव कर जाए, तो जो घुटना है वो बेहतर चलना शुरू हो जाता है। कई बार उससे पहले हम इंजेक्शन दे देते हैं, वो भी लेकिन टेम्परेरी रिलीफ है। तो उसके बाद जो अगर ये सारी चीज़ें फेल हो जाएँ तो फिर बारी आती है जॉइंट रिप्लेसमेंट की। बिल्कुल जी, जॉइंट रिप्लेसमेंट भी बात करेंगे और ईद की खुशियां हैं, ईद के पैगामात आपसे भी हम सुनना चाहेंगे। अगर आप ईद के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं, आज आपने ईद कैसे बनाई, किस तरह बनाई, किसके साथ बनाई और कैसे आपने फैमिली में इंजॉय किया और ख़ास तौर पर क्या कुछ खाया, आइए चलते हैं टेलीफोन लाइन की तरफ। मोहम्मद शबीर इस वक्त मेरे साथ एक्रिंगटन से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई जान? जी अल्लाह का शुक्र जी, खरीयत अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, ठीक हो? खरीयत है, बिल्कुल ठीक ठाक जी। ईद की आपको साथ साथ मुबारकें।
कैसे गुजरी आपकी ईद? बहुत ईद मुबारक। आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। जज़ाकअल्लाह जी। तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हैं खाने के मुतल्लिक। तो आपने क्या कुछ खाया, कैसे ईद का आगाज किया? जी हम सुबह के कुछ दोस्तों के इधर अपने हैं, दो चार दोस्त हमारे एकिंगटन में इधर जा रहे हैं इनके पास, तो माशाल्लाह अच्छा अच्छा खा रहे हैं, काफ़ी खाने को मिल रहा है। ये ज़्यादातर हमें जो रोज ही दे रहे हैं कुछ, उसके साथ साथ ये जो रस मलाई वगैरह मीठी है, मीठा मीठा खा रहे हैं। बिल्कुल। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, तो इसके वाले से शबीर भाई, डॉक्टर शबीर भाई ये बताएं कि ज़ाहिर है यहाँ पर भी आपने ईद गुजारी है और पाकिस्तान में भी आपने गुजारी है, फ़र्क क्या आपने देखा पाकिस्तान में और यहाँ में, कुछ फ़र्क लगा या एक जैसी लगी? जी जी हाँ, बहुत फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे ईद मैं तो समझता हूँ तकरीबन ईद हमारी अपने घर के अंदर की ईद ही है, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो हमें बाहर इंजॉय मिलता है, मिलने को दोस्त मिलते हैं बाहर बाजारों में, जो दुकानें सजी होती हैं। तो यहाँ पे जो तकरीबन मैं देख रहा हूँ ईद पढ़ के आया हूँ जब से, तो एक घर बैठे हुए दूसरे घर चले गए, तकरीबन अंदर के अंदर ही हैं। बिल्कुल। तो बहुत डिफरेंट है वहाँ तक ईद करना, मैं समझो बहुत ही अच्छा लगता है पाकिस्तान में। तो और अब क्या प्रोग्राम है, अब नेक्स्ट क्या है? अब आधी तो ईद होगी, अब बाकी जो क्या प्रोग्राम है, घर पे बैठना है या कहीं बाहर जाना है दोस्तों के साथ, कुछ खाना है? जी अभी मेरा प्रोग्राम है तकरीबन, सोच रहा हूँ कुछ दोस्तों ने दावत दी हुई है। अच्छा। कोई बाहर सुना मैनचेस्टर में बड़ी अच्छी कोई खाने पीने को मिलता है। हाँ पाकिस्तान गुजरा वाला से पता है, खाने पीने वाले लोग हैं वहाँ पे, पसंद करते हैं ज़्यादा चीज़ें। तो सुना है मैनचेस्टर में बड़ी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे, खाने को अच्छा मिल रहा है, तो वहाँ जाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो डॉक्टर साहब बैठे हैं, कुछ नुस्खे भी दे रहे हैं, कोई बाल में हजम कैसे कर रहे हैं खा के। बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि आपकी फेवरेट डिश क्या है, जो ईद पे सबसे फेवरेट डिश जो आपकी क्या है? मेरी फेवरेट डिश जो है ना तकरीबन वो है चिकन बिरयानी है। चिकन बिरयानी, ठीक है जी। चिकन बिरयानी है, बड़े शौक से खाते हैं, गुजरांवाला में बिरयानी भी बहुत मशहूर है हमारे। गुजरांवाला, गुजरांवाला तो शहर भी पहलवानों का शहर है जी। जी हाँ जी, नाश्ते में पाए खाते हैं हम सुबह उठ के ना, छोटे बड़े पाए मिक्स करके। ठीक है जी, ठीक है। शबीर भाई कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे बहन भाइयों को? जी बिल्कुल जी, मेरी तरफ से पूरी दुनिया के मुसलमानों को दिली ईद मुबारक। तो आपके चैनल के हवाले से हम ईद दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब बैठे इनका बहुत शुक्रिया। तो आप इसी तरह प्रोग्राम करते रहिए, माशाल्लाह अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है जी माशाल्लाह। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ठीक है, ठीक है शबीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ोन कॉल का जी, थैंक यू। और ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और गुजरांवाला वाकई ये पलवानों का शहर होता है, खाने पीने में बहुत मार है जी। गुजरांवाला हम गए थे वैसे एक दफा। हाँ जी, मेरे फैमिली गुजरांवाला गए थे, गुजरांवाला में हमारी फैमिली भी है जी। बिल्कुल, गुजरांवाला देखा जी हमने, पकवान जो है बड़े ज़बरदस्त हैं गुजरांवाला के, गुजरांवाला में बिल्कुल बड़ा इंजॉय करते हैं। और शबीर भाई जी गुजरांवाला से यहाँ ईद मना रहे हैं एकरिंगटन में, और बड़ा फ़र्क होता है गुजरांवाला और एकरिंगटन में ईद का जो है। एग्जैक्टली जी, एकरिंगटन में घर बैठ के ईद मनाते हैं, लेकिन हम तो यूज़ टू हो चुके हैं जी यहाँ से। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, आप माशाल्लाह एक आपने एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और लॉन्च हो चुका है, थोड़ा सा उस हवाले से बताइए, क्योंकि आप हॉस्पिटल के साथ मिलकर कुछ काम करना चाहते हैं कम्युनिटी के साथ, पेशेंट्स के साथ। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, हम बड़ा फ़ख्र से मैं कह सकता हूँ जी कि आज ब्लैक पेन जो है वो पूरे यूनाइटेड किंगडम में, यूके में पहला जो है वो शहर है, या सीसी जिसको कहते हैं कि क्लिनिकल कमिश्निंग ग्रुप जो है, कि हमने पूरे यूके में पहले हमारा जो ग्रुप है जिसने हॉस्पिटल जिसको कहते हैं सेकेंडरी केयर और प्राइमरी केयर जो है जीपीज, हमने मिलकर तो एक सर्विस शुरू की है जिसमें हम जो है वो अल्ट्रासाउंड सर्विस जो स्कैन है वो हमने वेटिंग लिस्ट को तकरीबन ख़त्म कर दिया है। अच्छा। कि पूरे यूके में कहीं भी अगर आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना हो तो आप जीपी के पास जाते हैं तो वो आपको रेफ़र करते हैं हॉस्पिटल को, या जैसे भी है, तो वो फिर उनको 4-6-10 हफ्ते वेटिंग करना पड़ता है। ब्लैकबर्न के अंदर हमने नई सर्विस शुरू की है जिसमें हॉस्पिटल से जो कंसल्टेंट्स हैं और जो सोनोग्राफर्स हैं
वो हमने एक जॉइंट कलेक्टिव सर्विस शुरू की है, जो कि कमीशन तो है सीसीजी से, लेकिन उसको डिलीवर करने के लिए जीपीज और हस्पताल ने मिलकर दो सेंटर हमने चार बनाए हैं। तो अभी हमने तकरीबन जो है इसका वेटिंग लिस्ट जो हमने ख़त्म कर दी है। तो अगर आप अगर आपको स्कैन की ज़रूरत है, डॉक्टर के समझते हैं कि उसको है, तो वो उन्हें रेफ़र करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हफ्ते के 10 दिन के अंदर अंदर उसको स्कैन हो जाए। तो अल्लाह के फजल से ये सर्विस जो है वो 12 जून को लॉन्च हुई ब्लैकबर्न के अंदर, और अभी तो स्टार्ट में ही हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। तो हमने अपनी जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ा दी है। पहले तो हमारी जो कैपेसिटी थी वो 11,000 स्कैन पर ईयर थी ब्लैकबर्न के लिए, जो कि हम लोग करते थे, लेकिन अभी हमारी कैपेसिटी जो है वो 18,000 हमने कर दी है, जिससे ये हुआ है कि वेटिंग लिस्ट जो है वो बहुत ही कम हो गई है। और उसका एडवांटेज पेशेंट्स को ये है कि उनको एक तो इंतज़ार नहीं करना पड़ता, दूसरा एडवांटेज उनको ये है कि वो अपने ही घर के करीब ही, उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, लोकली स्कैन हो सकता है, अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं। हमने ये स्कैन को अस्पताल से निकाल के तो हम लोग उसको कम्युनिटी के अंदर ले आए हैं कि ब्लैकबर्न विडावन में। जी वो मैं उस बात को बढ़ाना चाह रहा था जो उनकी बात की तायद करते हुए कि मैं रमज़ान में मस्जिद में एक नमाजी थे, तो उन्होंने ज़िक्र किया जी कि उनकी वालदा को जो है ना वो टांग में कोई स्वेलिंग हो गई है। अच्छा। वो अपने जीपी के पास गए और जीपी ने कहा कि शायद आपकी टांग में क्लाट हो गया। ठीक है। तो वो उसी दिन जीपी ने आपके पास भेजा आपकी सर्जरी में। बिल्कुल। और 4 बजे जी उनका स्कैन हो गया। एक ही दिन? उसी दिन ही उन्होंने कहा जी कि हमारी अपॉइंटमेंट आज ही है, और 4 बजे स्कैन हो गया। और ये मुझे वो मिले असर जोर से बाद, और मगरब पे जब मुझे मिले तो कहने लगे कि हमारा तो स्कैन हो भी गया और वो क्लियर है, और बड़े खुश वो। अदरवाइज़ तो उन्हें पहले अस्पताल जाना था, फिर ब्लड टेस्ट होता, फिर उनको रेफ़र करते, वो स्कैन के लिए उनको डेट मिलती। तो ये बड़ी अच्छी सर्विस है आपकी। बहुत मेहरबानी है। और फिर वहाँ पार्किंग करें। एग्जैक्टली। तो ये जो सर्विस है ये पूरे यूनाइटेड किंगडम में हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम मुख्तलिफ जगहों पर जाके कि ये जो सर्विस हमने अपने जिक्र किया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की जो सर्विस है और ये अल्ट्रासाउंड सर्विस, ये हम पूरे यूके में पहले और ओनली ब्लैकबर्न पहला टाउन है, हम टाउन है जिसमें हमने ये सर्विस जो है वो कम्प्लीटली प्राइमरी केयर में हमने लगा दी है। कि इसमें एक तो पेशेंट को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं, और ये कि हॉस्पिटल के ही अंडर ये सर्विस जो है ये प्राइमरी केयर में होती है। तो कोई भी डॉक्टर जो है उसका मरीज़ जो है उसको रिफ़र कर सकता है। कितने प्रोजेक्ट हैं, कितने सर्जरीज हैं जहाँ? चार यहाँ पे ब्लैकबर्न में 4 लोकेलिटीज़ हैं। एक तो डावन है, फिर इस तरह से नॉर्थ ब्लैकबर्न एक जियोग्राफिकल लोकेलिटी है, इस तरह से ईस्ट ब्लैकबर्न एक जियोग्राफिकल लोकेलिटी है जो काउंसिल ने ऑलरेडी इनको लोकेलिटीज़ को डिवाइड किया हुआ है। इस तरह से वेस्ट ब्लैकबर्न है जिसमें जो है वो विटन पार्क का एरिया है, नॉर्थ के अंदर ये बासवेल और रोली का एरिया है। अच्छा। तो इस तरह से ईस्ट के अंदर जो है वो शेड्सवर्थ और जो है वो ऑर्ली रेंज का एरिया है। तो इन एरियाज़ को 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है ब्लैकबर्न और डावन को। तो हमने हर एरिया के अंदर एक क्लिनिक जो है वो बना दिया है सर्जरीज के अंदर। जैसे ब्लैकबर्न नॉर्थ के अंदर जो है वो रोली सेंटर है, ब्लैकबर्न ईस्ट के अंदर जो है वो सेंट जॉर्जिस सर्जरी जो एक बड़ी सर्जरी है वो सेंटर है, डावन हेल्थ लिंक जो है वो डावन हेल्थ सेंटर में है। बिल्कुल। और इस तरह से ईस्ट वेस्ट के अंदर जो है वो बाबरा कासल में जो कि शहर का सबसे बड़ा हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे हमने ये सेंटर शुरू किए हैं। तो ये चीज़ें जो ये जो नए सर्विस है ये आवाम के लिए बहुत जो है ये बहुत बड़ी सहूलत है। सो स्कैन के लिए अब हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप डॉक्टर के पास जाएँ, वो रिफ़र करेगा और जो भी नियरेस्ट उनका जो सेंटर होगा वहाँ पर वो रेफ़र करेंगे। वो एक ही जगह पर रेफ़र करेंगे, लेकिन जहाँ से रेफरल जो वेटिंग टीम है वो देखेंगे पेशेंट का एड्रेस किधर का है, तो वो उनको उस जगह पे 4 में से किसी एक सेंटर में उनको जो उनके पेशेंट के नियरेस्ट प्लेस है उसमें वो उसको भेज देंगे, तो ये उसको हो जाएगा। इस तरह से अगर वो DVT का जो क्लिनिक डॉक्टर जैसे डॉक्टर एहसान साहब ने बात की अभी, तो वो जो है वो एक सेपरेट क्लिनिक है। वो अल्ट्रासाउंड उसमें भी स्कैन तो हम होता है, लेकिन वो तो सेम डे है। अगर किसी को इस डॉक्टर को किसी को शक हुआ कि इसमें हो सकता है कि क्लाट हो, तो पहले जो है वो उसके लिए वो हॉस्पिटल में रेफ़र की करते थे। तो हॉस्पिटल में मैक्सिमम इमरजेंसी में 5-6 घंटे इंतज़ार होता था, फिर खून का टेस्ट करो, उसका भी 2-3 घंटे वेट करो।
तो वो पूरा दिन चाहिए होता था उसके लिए, उसके बाद फिर स्कैन करने के लिए उनको बर्नले जाना होता था, वो तो दो तीन दिन लग जाते थे उसमें सारा प्रोसेस को कंप्लीट करने में। अभी जो सारा प्रोसेस है रेफरल से लेके तो स्कैन और ब्लड, हमारे पास अपनी मिनी लैब भी है तो स्कैन भी हम करते हैं उसी वक्त, तो ये सारा प्रोसेस जो है एक घंटे में हम कंप्लीट कर देते हैं। अगर किसी को खुदा ना खास्ता अगर क्लाट है उसका इलाज भी एक घंटे के अंदर अंदर शुरू हो जाता है, तो ये सारा कुछ हमने बहुत जल्दी कर दिया है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो 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 सेटअप है उसको अभी पूरे यूके में बहुत लोगों ने, हम लोगों ने कई प्लेटफॉर्म पे हमने इसको प्रेजेंट किया और इसको बड़ी सक्सेसफुली उसको हमने इम्प्लीमेंट किया जैसे, तो वो अभी बहुत सारे जो इलाके हैं वो हमारे पास आ रहे हैं अभी, हमारे सेटअप को देख रहे हैं और उनको वो अपने इलाकों में जाकर उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और तो पॉसिबिलिटी है कि ये यूके भर में मुख्तलिफ इलाकों में तो ये होगा। बड़ा ये पायनियरिंग सर्विस थी हमारी, तो ये अभी इस वक्त भी हम करीबन 4 जो है एरियाज़ हैं वो हमें कॉपी कर रहे हैं, जिसको हम जिनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसी सर्विस जो है वो हम प्रोवाइड कर सकें आवाम की बेहतरी के लिए। और ये ज़ाहिर है अक्सर जब हम ईद का तोहफ़ा या ईदी देते हैं तो ये हेल्थ प्रोफेशनल की तरफ से ये हमारी कम्युनिटी के लिए ये ईदी है। बिल्कुल, ये ईद का प्रेजेंट है। हम जी कोशिश हमारी ये होती है कि लोगों को, हमारे जो मरीज़ हैं उनको सेहत की जो सहूलियात हैं वो घर के नज़दीक मिलें, उनको आसानी से मिले, उनको वेटिंग उनको कम करना पड़े, उनको जो है वो एंग्जाइटी कम हो, हॉस्पिटल में जाके एक्सीन इमरजेंसी में 6-6 घंटे इंतज़ार ना करना पड़े, और ऐसी हर वो चीज़ जो हम कर सकते हैं कम्युनिटी के अंदर। अभी हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि और भी सर्विसेज ऐसे ही डिवेलप करें जिसमें लोगों को हॉस्पिटल तभी जाना पड़े अगर बहुत ज़रूरी है, बाकी जो सर्विसेज हैं उनको हम बहुत हाई स्टैंडर्ड की हाई क्वालिटी के उनको घर के नज़दीक से नज़दीक तरीन हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें अब देखें जो NHS जो है वो उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहा है अभी जो है NHS जो है उसमें बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम है, तो इस तरह की नई सर्विस जब डेवलप होती हैं तो ये बड़ी अच्छी बात होती है आवाम के लिए। तो इसमें जो है वो मैं समझता हूँ कि अपने नाज़रीन जो अभी देख रहे हैं जो ब्लैकपन के जो लोग हैं उनको ये मैं कहना चाहूँगा कि बाज़ कुछ ऐसा होता है कि अगर किसी को रेफ़र करते हैं हॉस्पिटल के अंदर तो उनकी ये होती है परसेप्शन कि मेरा स्कैन हॉस्पिटल में होगा, तो उनकी जब अपॉइंटमेंट आती है कि किसी लोकल जो हेल्थ सेंटर में जाएं तो उनको ये फीलिंग होती है कि शायद मेरा स्कैन जो है वो अच्छा नहीं होगा अगर मैं लोकल सेंटर में जाऊंगा, तो उनको ये बिल्कुल मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि स्कैन आपको उसी स्टैंडर्ड का होगा, हॉस्पिटल के ही डॉक्टर्स जो हैं, हॉस्पिटल के ही सोनोग्राफर जो हैं वही आके तो स्कैन करते हैं इन जगहों पर आपकी सहूलत के लिए उन्हीं मशीनों के ऊपर। तो ये चीज़ जो है ये एक नई सर्विस है, ये अभी हम शुरू कर रहे हैं कि हमने तो इसमें आपके फ़ायदे के लिए है और आपको वक्त बचाने के लिए, आपको सेहत की सहूलतें जल्दी मुहैया करने के लिए, आपको वेटिंग लिस्ट जो है वो कम होने के लिए, तो ये सारी सहूलत हमने आपके लिए शुरू की है। बिल्कुल जी, बहुत देखें जी, जब एक डॉक्टर एक सर्जन बैठ जाता है तो बात होती है सिर्फ सेहत के हवाले से। ईद की खुशियों के साथ साथ आपको सेहत के भी मैसेज मिल रहे हैं और ईद पर ईद के तोहफे मिल रहे हैं, और ये तोहफा जो ब्लैकपन की आवाम के लिए है ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है, और इसका सेहरा डॉक्टर इरफान जफर और उनकी टीम को जाता है क्योंकि उन्होंने पूरे मुल्क में ब्लैकपन में एक ऐसा प्रोजेक्ट किया है जिसकी वजह से बहुत सी कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। सर्जन होने के नाते ज़ाहिर है आप भी कुछ तोहफा देंगे लोगों को, नए घुटने दे देते हैं, नई हिप दे देते हैं, ये भी तो तोहफा हुआ है। हम एक तोहफा पहले ही दे रहे हैं। अच्छा, अच्छा। वो कार्पेंटर का जो है। अच्छा। तो एक माइनर प्रोसीजर है। हाँ। वो तो हम डॉक्टर साहब की सर्जरी में काफी अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा। और वो ऑपरेशन जब लोग करवाने के लिए आते हैं, अब यकीन माने कि वो जो स्लॉट उनके लिए 40 मिनट की स्लॉट होती है, उस 40 मिनट के अंदर वो पेशेंट आके और फारो होके चला भी जाता है। अच्छा, उसमें क्या करते हैं, क्या उसमें तो हम जो माइनर ऑपरेशन है कि वो अच्छा। आपकी जो नर्व होती है एक हाथ के अंदर बेडियन नर्व होती हाथ है में, जी जी, उसमें हाथ सुन्न हो जाते हैं, ख़ासतौर पर जो अंगूठे वाली साइड हाथ की जो है ना वो सुन्न होती है और बड़ी तकलीफ दे है, लोग रात को उठते हैं और फिर यूँ हाथ अपना झटकते हैं और अच्छा नर्व पर प्रेशर होता है, उसको रिलीज़ करना होता है हमने जो है ना, तो उसमें फिर ये प्रोसीजर हम करते हैं इंजेक्शन दे के इस जगह को सुन करके। अच्छा। और वो मतलब बड़े जो लोग आते हैं कहते हैं अमेजिंग, अगर हम हॉस्पिटल जाएं तो पूरा दिन लगता है, यहाँ पे तो हम 40 मिनट में 40 मिनट में आप उनको फारग कर देते हैं। ये माशाल्लाह ये भी इन्हीं की जो है ना, ये इन्हीं की मेहरबानी है जी। देखें जी,
लेकिन आपने पेट पूजा ग्रुप में इनको शामिल नहीं किया है। इनको जी इंशाल्लाह बगैर दावत देंगे हम पेट पूजा ग्रुप में, ये ऑनररी मेंबर होंगे जी इंशाल्लाह। हमारे चेयरमैन से तो आज आ नहीं सके, चेयरमैन आज हमारा पेट पूजा उस पर जरा बात करेंगे, क्योंकि जरा डॉक्टर साहब जरा, क्योंकि इन्होंने जरा जाना भी है, तो फिर उसके बाद हम खाने पीने की बहुत सी बातें करेंगे और आपसे भी बातें बहुत सी होंगी। अगर आप ईद मना रहे हैं, कहाँ मना रहे हैं, किस वक्त हैं, इस वक्त आप हमें बताइएगा। और चंद लम्हे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि उनकी सर्जरी भी है, उन्होंने वापस जाना है, और लेकिन डॉक्टर जो हमारे सर्जन हैं वो यहाँ पर रहेंगे, उनको जब तक हम रखेंगे वो रहेंगे, लेकिन प्रोग्राम में बहुत सी फिर बातें उनसे भी होंगी। तो डॉक्टर साहब ज़रा वक्त बिल्कुल इख्तिताम पर है, क्योंकि आपने जाना भी है, तो क्या मैसेज देंगे ईद के हवाले से, ईद के बाद फिर हमने कैसे अपनी नई ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि एक महीना जो हमने डिसिप्लिन जो हमने सीखा है, जो हमने नज़्म व ज़ब्त सीखा है, जो हमने एक अपने आप को अपने जिस्म को ट्रेनिंग दी है, और ख़ास तौर पर सिगरेट नोशी जो करते हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? बिल्कुल शकील, जैसे मैंने पहले बोला कि देखिए ये चीज़ हम लोग कहते हम बहाने तलाश करते हैं ना कि कोई अच्छा काम हो जाए या कोई ऐसी बात। देखें अभी इसमें अल्लाह ने हमें ये एक मौका दिया है, रमज़ान का एक महीना दिया, जिसमें हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना जो है वो हम सीखते हैं और उसको करते हैं। तो इसमें एक और जो अगर हमारी सेहत अच्छी है तो जितने भी लोग रोज़ा रखते हैं, जो कि मेजॉरिटी जो है रोज़ा रखते हैं, तो हम देखते हैं कि हम रोज़ा रख सकते हैं, हम परहेज़ कर सकते हैं, हम ज़िंदा रह सकते हैं बग़ैर किसी सेहत को नुकसान पहुँचाए। 18 घंटे तक अगर हम ना कहें तब भी हम ज़िंदा रह सकते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि उस चीज़ को जो हमने लर्न किया, जो हमने सीखा इस महीने के अंदर कि सारा कुछ मुमकिन है, तो इसमें जो है वो हर चीज़ हम कर सकते हैं, जिससे हमारे ऊपर ये करने वाली बात है कि ऐसा हम कर सकते हैं। तो हमारी जो अगर आप देखेंगे हमारे सेहत के जो आज बिगेस्ट प्रॉब्लम्स हैं हमारे अंदर जो है वो, अगर हार्ट की बीमारी है फॉर एग्जाम्पल जैसे है, या डायबिटीज़ है, या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ये जो सारी बीमारियाँ आज हमारे हमारी कम्यूनिटीज़ के अंदर हैं, उनमें खुराक जो है उनमें उस बीमारी की वजूहात में अगर देखें तो एक बड़ी वजह है। तो अगर हम अपनी खुराक में एहतियात करें तो अक्सर लोग हम कहते हैं, अगर आप देखने में सुनने में आता है, हमारे रोज़ाना के सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि जी बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है जी कंट्रोल करना, बड़ा मुश्किल है जी। शुगर के मरीज़ कहते हैं जी कि बड़ा मुश्किल है जी, वो बस जी थोड़ा बहुत हम खाना पड़ जाता है कि ये करें तो उनकी वो डायबिटिक कंट्रोल जो है, जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है जी बड़ा मुश्किल है जी, नमक का कैसे परहेज़ करें जी, बड़ा मुश्किल है इसका कैसे। तो ये मुश्किल तभी तक होता है जब तक हम लोग उसमें हमारे जो है वो जो हम लोग कोशिश नहीं कर पाते हैं। जैसे अब रोज़े में जब अब पता है कि इसमें गुनाह है, छोड़ना है, तो हम लोग बड़े आसानी से हम लोग सुबह से खाए रात 10 बजे तक इंतज़ार कर लेते हैं। तो सिर्फ कहने की बात यह है कि उस चीज़ को जिसको जिस जो खुदा ने हमें एक रमज़ान की एक नामत दी, ये इसलिए भी है कि इसमें अपना ख्याल भी रखें और उसका कुछ फ़ायदा उठाएं अपने ज़िंदगी के लिए भी और आखिरत के लिए भी। बिल्कुल, और बिल्कुल ये चीज़, ये तो एक बड़ी मज़ेदार बात है। और मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को बात कहूँ कि मैं हर रमज़ान में पिछले कई सालों से मैं अपना वज़न कम करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। हर रमज़ान में, और होता ही है कि उसके अगले रमज़ान तक वो फिर ऊपर चला जाता है लेकिन रमज़ान में तो कम होता है। रमज़ान में कम होता है। डॉक्टर साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए। मुझे पता है कि आपने सर्जरी में जाना है और बहुत से मरीज़ इस वक्त इंतज़ार कर रहे होंगे इससे पहले कि आप लेट हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया और ईद की ढेरों मुबारकबाद, और मुबारकबाद जो आपने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, और इसके साथ साथ एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद ईद की बहुत सी बातें होंगी, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर एहसानुल हक साहब मौजूद हैं और उनसे खाने पीने की भी बहुत सी बातें होंगी, और फिर ईद की मुनासबत से बहुत सी गपशप होगी, आप भी उसमें शामिल हो जाइएगा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और इंशाल्लाह ब्रेक के फौरन बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। कहीं भी जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा उम्मा चैनल। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी, मैं हूँ शकील सलाम, और ईद की खसूसी नशरियात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ईद जब आती है खुशियाँ बिखरती हैं,
हर जगह हर कोई खुशी खुशी से फूला नहीं समाता, बच्चे खूबसूरत कपड़ों में और हर कोई ईद की खुशियों में मसरूफ़ है। और आप क्या कर रहे हैं? अगर आप इस प्रोग्राम में किसी को ईद की मुबारकबाद देना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं, तो करें, फ़ोन करें, टेक्स्ट करें, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर लाइव हमारे स्टूडियो से बात कर सकते हैं। और हमारे मेहमान जो इस वक्त हैं, डॉक्टर एहसानुल हक साहब हैं, जो कि आर्थोपीडिक सर्जन हैं, लोगों की टांगों का इलाज करते हैं, टांगों को काटते नहीं हैं, हम जोड़ते हैं। अच्छा ठीक है, जोड़ते हैं जी, ये काटने वाले जो है सर्जन होते हैं, काटने वाले सर्जन होते हैं। आप भी तो सर्जन है, लेकिन आर्थोपेडिक है ना, वो जो है वास्कुलर सर्जन, वो काटते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन सर्जन नाम में है तो सर्जन तो है। अच्छा, कटाई वटाई नहीं करते आप? कटाई करते हैं लेकिन डिफरेंट तरीके से। डिफरेंट तरीके से, अच्छा अच्छा अच्छा, हो गया जी। अच्छा, तो बातें बहुत सी होंगी, आपकी ईद कैसे गुजर रही है, और हम अपने मेहमानों से भी पूछेंगे कि उनकी ईद कैसे होती है, और फिर थोड़ा सा बचपन की कोई ईद आपको याद है, या पाकिस्तान में कैसे, या जहाँ से भी आपका तल्लक है वहाँ पर कौन सी कैसे ईद बनती है, और फिर कौन सी आपकी फेवरेट डिश है, और आज ईद आपने कैसे बनाई, किसके साथ बनाई, और कैसा रहा, ये सारी बातें आप हमें बता सकते हैं। उसके साथ साथ कोई ईद का मैसेज अगर आप बताना चाहें तमाम उम्मा के लिए, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाज़िर है। तो डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है आप मेडिकल बैकग्राउंड से आपका तल्लक है, और हमेशा मुख्तलिफ कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में आप रहे हैं, वहाँ भी आपको घर से अलग थलग रहना पड़ता था, ज़ाहिर है खाना खुद बनाना पड़ता था, ये कुछ तो पाकिस्तान की कोई ईद का कोई हालात याद है कि वहाँ कैसे ईद होती थी, और कैसे आप अपने बचपन या जवानी की ईद जो है, जवानी तो खैर अभी भी है, जवानी देखिए जी, पाकिस्तान जो ईद का जो है ना, अपना ही मज़ा था। छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, जब छोटी ईद हो, रमज़ान शुरू हो ना, तो उस वक्त वो सवेरे जो जो जगाने वाले वो ढोल, जब ढोल की थाप है, तो वो ढोल और अलपिंडी जब पड़ता था, तो सवेरे ढोल वाले जो है ना ढोल बजाते थे शहरी पे लोगों को जगाने के लिए। अब भी बजाते हैं कि अब मेरा अलार्म क्लॉक बजाते हैं, खान बजाते हैं, काफ़ी अर्सा हो गया, लेकिन कम हो गया। उसका एक अपना मज़ा था सवेरे उन्हें जगाना। उसके बाद जो बाज़ारों में जो ख़ास तौर पर छोटी ईद की जो गहमा गहमी शुरू हो जाती थी, लाइटें लग जाती थी और चूड़ियाँ और बच्चों के कपड़े और जूते, और उसका जो है ना वो ख़ास वो शाम के बाद दुनिया जो है वो शॉपिंग करना शुरू हो जाती थी, और उसका अपना ही मज़ा था कि एक सेलिब्रेशन है ना, कि आपको पता चलता है कुछ होने वाला है यहाँ पे जो है ना। और कई दिन पहले, मतलब अफ्तारी के बाद तकरीबन लोग जो है ना रात तक देर तक जो है दुकानें खुली रहती थी, दुकानों पर पर्टिकुलर ख़ास तौर पर डेकोरेशन की होती थी और लाइटें लगी हुई, और फिर जो मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ें जो बिकने वाली थी, स्टॉल लगे होते थे बाहर दुकानों के बाहर वो, और जब ईद का चांद देखने का जो टाइम होता था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था कि चांद खुद आपने देखा था कोठे पे चढ़ के देखते थे जनाब, ज़रूर देखते थे, बल्कि मेरे छोटे भाई जो आर्मी में गए, तो वो तो उनकी आँख ज़्यादा तेज़ थी वो आँख चांद निकाल लेते थे, अक्सर बेचते हम कहते कहाँ हैं, तो वाकई वो सही देख रहे होते थे जो ना, तो वो चांद जो है ना वो देखने का अपना मजा। तो रुए थे हलाल कमेटी में जाने का इत्तेफाक नहीं उनको हुआ उन्होंने नहीं बुलाया तो उसका बड़ा मजा होता है, हर बंदा कोशिश कर रहा है और अपनी आई टेस्टिंग कर रहा है कि चांद नजर आएगा या नहीं आया, तो अक्सर बेशतर देख लिया करते जब मौसम साफ होता था, और उसका अपना एक मजा होता था। तो फिर ईद के दिन, ईद बड़ी जगहों पर होनी जो है ना, उसका जो है ना वो अपना मज़ा था। दूसरा यह कि जब मैंने जॉब शुरू किया, अच्छा, तो जो सबसे बड़ा मज़ा था ना वो छुट्टियां जो मिलती थी ना, वो चार या पांच ईद की छुट्टियां, यहाँ पे तो अब आपको पता नहीं होता कि ईद कब आनी है। फिर एक और बात जो थी, ईद एक होती थी, यहाँ पे तो दो दो ईदें, को पता नहीं आपने किस दिन ईद आ रही है, चांद यहाँ नजर नहीं आता, और यहाँ बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जरा आप जैसे लोग जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, आपको तो बहुत सारा नोटिस देना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है और कब होनी है, बड़ी ये भी एक स्ट्रेसफुल होता है काम जो है ना, तो वहाँ पे ये काम नहीं है, तो एक तो छुट्टियाँ काफ़ी मिलती थी, कम से कम चार पाँच छुट्टियाँ तो होती हैं, आराम से मिल जाती थी, हर चीज़ बंद हो जाती है, स्कूल कॉलेज बंद, यू नो, तो वो टेंशन नहीं होती थी। एक ईद एक दिन इकट्ठी होती थी, और फिर ईद की नमाज जो है ना आम तौर पर जो है ना बड़ी जगहों पे जो है ना वो इंतजाम होते हैं, वहाँ चले जाना, और फिर ईदगाह पे वो पढ़ने का कुछ अपना ही मज़ा होता है। ये तो छोटी ईद की बात है, बड़ी ईद की जो है वो
ईद से महीना पहले ही वो कुर्बानी के जानवर तलाश करना ये भी एक फन था जो है ना, वो मंडियों में चले जाना, वहाँ देखना, सिलेक्ट करना, तो उसका अपना मज़ा था जो है ना। तो पाकिस्तान में ईद जो है फिर उनको एडवांस में लेके आना, फिर उनकी खातर तवाज़ा करना जो है जाना, तो उसका अपना मज़ा था। यहाँ भी ठीक है, काफ़ी अब फैमिली है यहाँ पे, तो कुछ तब्दीलियाँ आपने नोटिस किया कि पिछले 20-25 साल में काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं? माशाल्लाह यहाँ पे हमारा कल्चर काफ़ी डेवलप हो गया। अब इवन देखें ब्लैकबर्न में जो है वो काफ़ी शॉपिंग सेंटर अपना ही बना हुआ है, और उसमें काफ़ी लोग चांद रात होती है और मेहंदी लग रही होती है, बिल्कुल रौनक होती है। काफ़ी चेंजेस आई हैं जो है ना पिछले 15-20 साल से, और यहाँ भी जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह आ रही हैं जो है ना। तो हमारा ये है कि सवेरे पहले नमाज के बाद, फिर वो अपने दोस्तों के साथ किए, फिर अपनी फैमिली के रिश्तेदार हमारे वॉल्सल वगैरह वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ बहुत बड़ी फैमिली हमारी जो है ना, तो वहीं पे जो कि सारी फिर बहुत बड़ी फैमिली हमारी, क्वाइट एक्सटेंडेड फैमिली जो है हमारी, तो वहाँ फिर हो जाता है शाम रात गए तक वहाँ रहना जो है। तो माशाल्लाह यहाँ भी काफ़ी जो है ना वो हालात बेहतर हो रहे हैं। बिल्कुल, और ज़ाहिर है रोज़े के बाद एक अपना ही मज़ा होता है, क्योंकि आपने एक रोज़े का जो फ़र्ज़ निभाया है जी, उसके बाद जा रहा है खाना तो बनता है जी। और खाने की बात होती है तो ये खाने का शौक मेरे ख्याल में आपको है, क्योंकि हमारा जो ये पेट पूजा ग्रुप जो है ये बड़ा एक्टिव है, तो कैसे आप इसके मेंबर बने, ज़रा थोड़ा सा बताइए। ये जो जी पेट पूजा ग्रुप में पहले तो ये 3 बंदे थे हमारे दोस्त जो है ना। अच्छा, तो एक बार मुझे ले गए, कहते हैं कि आए लैंकास्टर चलते हैं जो है ना किसी रेस्टोरेंट में। जी जी, तो लैंकास्टर में एक रेस्टोरेंट में गए, खाना शाना खाया, तो मैं कहा ये क्या, कहते हैं ये हमारा मतलब है ये ग्रुप है। तो कुछ 2-4 हफ्ते बाद तकरीबन जो है ना हम मिलते हैं, तो डिफरेंट जगहों पे जाते हैं जो है ना, तो ये तलाश में लगे रहते हैं कहाँ कोई नया रेस्टोरेंट खुला। बिल्कुल, कभी ये ब्रैडफोर्ड पहुँच जाते हैं, कभी मैनचेस्टर पहुँच जाते हैं, कभी बर्नली को एक्सप्लोर करते हैं। अभी हमने एक्सप्लोर करना है बर्नली को जाकर, चंद दिनों बाद रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करते हैं जो है ना, तो वह इसी तलाश में रहते हैं। तो अब जो व्हाट्सएप का ज़माना आ गया, तो पिछले कुछ महीने पहले सोचा कि हम क्यों ना इस ग्रुप को एक नाम दे दें। तो फिर काफ़ी जो है ना, पहले हमने इसका नाम रखा गपशप ग्रुप, तो अब रख दिया इसका पेट पूजा। और पेट की पूजा तो करनी पड़ती है। और मैं माशाल्लाह आपके ग्रुप के साथ गया हूँ और ग्रुप का मेंबर भी बन चुका हूँ अब, लेकिन बड़ा उसमें जो है कि सारे जो है ना खाने पीने के भी माहिर हैं, और खाने की जो उनको खासियत भी है उनको पता है कि कहाँ ठीक खाना मिलता है और कैसा मिलता है। वो खुद ही उसको ये है कि अगर आपको खाना सही नहीं मिला फिर दोबारा हम उस जगह जाते नहीं है, उसको बाइकआउट कर देते हैं। तो एक किस्म का आपका रिव्यू ग्रुप है जो बिल्कुल वो जो नहीं वो क्रिटिक होते हैं जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में जाके वहाँ खाना टेस्ट करके फिर वो लिखते हैं रिव्यू। तो मेरे ख्याल में पेट पूजा ग्रुप को काफ़ी रिव्यू भी करना चाहिए खाने का। तो वो पेट पूजा अब ईद आई कल से पेट पूजा ही हो रही है जी, पेट पूजा ही हो रही है जी, जी। अच्छा, ये जो लोग ज़्यादा खाते हैं तो ज़रा वज़न बढ़ता है, तो वज़न बढ़ने से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उससे ख़ास तौर पर आपका जो शुबा है उसमें बहुत से लोग हमारे आते हैं, तो ये कितना बड़ा मसला है अपने लोगों में जो हमारी मुसलमान कम्यूनिटी है, हमारी एशियन कम्यूनिटी है। देखिए एशियन कम्यूनिटी असल में खाने पीने में कोई हर्ज नहीं है, खाने पीने के बाद उस एनर्जी को कंज्यूम करना चाहिए। देखें हमारे जो आबाओ अजदाद थे, आज से 40-50 साल पहले चले जाएं आप, तो माशाल्लाह वो सवेरे देसी का पराठा, अंडा और देसी मुर्गी और हर चीज़ खाते थे वो सब कुछ, लेकिन उनका पेट नहीं होता था, बिल्कुल स्मार्ट। वजह क्या थी कि एक तो उनका लाइफस्टाइल, वो गाड़ियाँ कारें ये वो काम थी, साइकिल होती थी ज़्यादातर, फिर उन्होंने जो उन्होंने खेतों में काम करना और सफ़र जो है वो बसों का, जहाँ पैदल जाना है पैदल चले जाना, तो वो एनर्जी जो है ना कंज्यूम हो जाती थी, माशाल्लाह उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग खा पी के फिर लेट जाते हैं, गाड़ियों में सफ़र करते हैं, उस वजह से जो है प्रॉब्लम हो रहे हैं, वरना खाएँ पिए, एक्सरसाइज करें, उसको एनर्जी को यूज़ कर दें आप। सो एज ए मेंबर ऑफ पेट पूजा ग्रुप आप खाने पीने पे आपको इतराज़ नहीं है, लेकिन खाने के बाद क्या होता है, एक्टिविटी जो है ना वो आपको जो है ना वो करनी चाहिए जो है ना, कि पेट पूजा ग्रुप को एक एक्सरसाइज ग्रुप भी बनाना चाहिए। वैसे मेरे ख्याल में कुछ मेंबर काफ़ी जिम वगैरह में जाते हैं, बड़े एक्टिव जाना चाहिए, मैं माशाल्लाह खुद वो हैं माशाल्लाह, ये आप भी जाते हैं, वो बाकी भी ग्रुप के एक्टिव मेंबर्स हैं, उनका वजन वगैरह पेट वगैरह नहीं इतना बड़ा,
हमारे किसी का नहीं है जो है ना, किसी को नहीं है हमारे। वो एक तो मार्शल आर्ट करते हैं शाह साहब जो है, वो मार्शल आर्ट करते हैं अब मार्शल को थोड़ा है, लेकिन एक वो बकायदा बड़े एक्टिव उसमें जो है ना। मुझे पता है जफर भाई और सरफराज तो मेरे ख्याल में वो जिम में तो बाकायदगी से जाते हैं, तो बिल्कुल तो वो एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ एक्सरसाइज जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है जो ना। अच्छा जाहिर है यहाँ पर मसरूफियात जो हैं वो बड़ी होती हैं, एक सर्जन होने के नाते, ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के नाते ज़ाहिर है आपकी काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, हर रोज़ काम पे जाना बड़ी ज़िम्मेदारी का काम होता है, फिर कुछ एक्स्ट्रा काम भी हो जाता है अस्पताल वगैरह में जहाँ आपको जाना पड़ता है, तो वक्त कैसे आप ढूंढ लेते हैं एक्टिविटीज़ का, इबादत का, पेट पूजा ग्रुप के लिए, या ये कैसे, क्योंकि डॉक्टर जफर साहब कह रहे हैं कि मेरे पास तो वक्त नहीं है। देखिए वक्त हर चीज़ के लिए निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है, खुद तो नहीं वक्त आता, खुद अगर आप कह रहे हैं वक्त नहीं है फिर वक्त कभी नहीं आएगा जाना, वक्त आपको निकालना पड़ता है, थोड़ा निकालें लेकिन निकालें ज़रूर। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई प्रॉब्लम होता है वक्त निकालने में जाना, क्योंकि आप तो पेट पूजा रोज़ा तो नहीं जाते ना, आप कोई चार हफ्ते बाद जाते हैं तो वो टाइम निकल आता है। जिम में आप अगर हर रोज़ नहीं जा रहे तो कम से कम तीन दिन चले जाएँ, बिल्कुल, तो वो निकला था टाइम जो है ना, वो उसको निकालना पड़ता है टाइम को। अच्छा हमारे लोग बड़े डरते हैं जब उनको ख़त वगैरह आते हैं ना अस्पताल वगैरह से, आप जैसे लोगों के, कि आपकी जो घुटना है वो ठीक नहीं काम कर रहा, वो उसमें दर्द है, आपको तकलीफ़ है, तो उसके इलाज के लिए जब आप बुलाते हैं तो लोग बड़े डरते हैं कि पता नहीं आप उसका ऑपरेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कभी कभी वो टीका भी लगाते हैं, वो लोगों को डर है, हालांकि टीके में लोग बड़े खुश होते थे पुराने ज़माने में टीके के बगैर, लेकिन ये डर कैसे हम कम करें, क्योंकि लोगों को बड़ा डर होता है। चक्कर ये है कि हमारे जो लोग हैं ना इनमें अब चेंजेस आ रही हैं, लेकिन अगर मैं देखूं, मैं तकरीबन 15-16 साल पहले इस एरिया में आया, तो हमारे बंदे अगर आपने कहे ना कि आपने अपने घुटने का ऑपरेशन कराना है या हिप का ऑपरेशन कराना है, तो वो भाग जाते थे, पाकिस्तान चले जाते थे। बड़ी मज़े की बात यह है कि वो बहाना अक्सर भेजते ही होते हैं, पाकिस्तान चले गए, नहीं पाकिस्तान वो गए नहीं होते थे, जब पूछे ना दोबारा वो आ गए जो है ना कि वो आप क्यों नहीं आते, वो भी मुझे पाकिस्तान जाना पड़ गया था, कोई फोत हो गया ये वो ना, तो वो डरते थे बड़ा। लेकिन अब जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब कुछ लोगों ने जब ऑपरेशन करवाया और उनके रिजल्ट्स उनको मिले, तो अब तो जिसने एक करवाया कहता है मेरा दूसरा जल्दी करो, हम कहते हैं अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, कहते नहीं नहीं करो जी इसका जल्दी जाना, तो वो असल में वो एक खौफ है, और क्योंकि लोगों को देखने से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस भी बढ़ गई है और लोगों को पता चल गया। और बदकिस्मती से जो है ना बाद हमारे जो बंदे हैं वो ये करते हैं कि जब यहाँ को ऑपरेशन मशक दिया जाता है तो वो पाकिस्तान पूछते हैं जाके कि क्या ख्याल ऑपरेशन करवाएं ना करें, वहाँ से इन्फॉर्मेशन को मिलती है कि कभी ना कराना ऑपरेशन जो है ना, वो बिल्कुल रह जाओगे, तो वो एडवाइस वहाँ से लेते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, माशाल्लाह जो है ना काफ़ी लोग जो है ना हमारे ऑपरेशन करवा रहे हैं, और जब रिजल्ट देखते हैं ना तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और देखें इतना एक्सपेंसिव है जो है ना, एक जो घुटना या हिप का ऑपरेशन का अगर आप प्राइवेट खर्चा ऑपरेशन करवाएं तो इसका 11-12 हज़ार पाउंड लगता है। अच्छा इतना खर्चा, NHS में आपको फ्री सर्विस मिल रही है और फिर भी आप भाग के जा रहे हैं और बहाना कर रहे हैं, तो नहीं होना चाहिए जो है ना ये। अच्छा कभी कभी टीका भी लगता है कि अगर घुटने में दर्द हो तो बजाय ऑपरेशन के वो टीका लगता है, और क्या वो इफेक्टिव होता है या? जी जी वो डिपेंड करता है कि आपका जो आर्थराइटिस वो कितना ज़्यादा है, अगर कम है या उस जॉइंट के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहा, इन्फ्लेमेशन है, तो वो इंजेक्शन उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है जो है ना। अगर आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर उसका जो है ना सर इतना नहीं होता, वो कुछ दिन होगा, कुछ हफ्ते होगा, कुछ महीने होगा, डिपेंड करता है, उस वक्त फिर जो है ना वो उसका जो इलाज है वो जॉइंट रिप्लेसमेंट ही होती है। जी हाँ जी, इस वक्त ये सेहत का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन सेहत का प्रोग्राम इसलिए है कि हमारे पास माहरीन सेहत बैठे हुए हैं, और मैं भी अक्सर सेहत का ही प्रोग्राम करता हूँ, तो सेहत की बात ना किए बगैर रहा नहीं जा सकता, लेकिन आप इस चीज़ को रोक सकते हैं अगर आप ईद के हवाले से कोई बात करना चाहें, कैसे आपकी ईद हो रही है, बच्चों की ईद कैसी हो रही है, ख़ासतौर पर हमारी बहनें किस तरह ईद मना रही हैं, क्योंकि अक्सर होता है कि बहनें सारा वक्त खाने पकाने में लगा देती हैं, क्या उनकी भी ईद को ईद का वक्त मिलता है उन्हें भी, या सारा वक्त जो है वो खाने पियाने पीने या तैयारी में लग जाता है। अगर आप ईद का कोई पैगाम देना चाहते हैं हमारे बहन भाइयों को, अपने किसी फैमिली फ्रेंड्स को, तो आप फ़ोन कर सकते हैं, स्क्रीन पर एक नंबर है,
आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं या टेक्स्ट कर सकते हैं, जो भी मेथड आपके लिए बेहतर है आप कर सकते हैं। ईद की खुशियों को दुबला कीजिए और इंशाल्लाह आज मुख्तलिफ प्रेजेंटर जो हैं इस प्रोग्राम में रात भर आपका साथ देते रहेंगे। उलमाए कराम भी आएंगे, मुख्तलिफ प्रेजेंटर जो हैं वो भी आपसे ईद की खुशियां शेयर करेंगे और आप भी अपनी ईद की बातें, दिलचस्प वाक़यात, ईद के जो पकवान हैं और ख़ास तौर पर आपकी जो फेवरेट डिश है वो क्या है वो बता सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब खाने की बात होती है तो आपने बड़ा ज़िक्र किया, तो खाने में ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें होती हैं और हर कम्युनिटी का अपना अपना कल्चर होता है, वो अपनी ख़ास डिश होती है, तो आपकी फैमिली में जो पॉपुलर डिश है जो आपके लिए भी है, कौन सी स्टार्टर से लेकर फिनिश तक कौन सी मुख्तलिफ डिशेस हैं जो आपको मुश्किल? तो स्टार्टर में ज़्यादा तो जो है ना, आप पता ही, जैसे कि चिकन लेग्स वगैरह रोस्ट होती है, चांप हो जाती है, उसके बाद कबाब हो जाएंगे, कबाब में भी चप्पल कबाब हो जाएंगे, पता लग जाए आप खाने पे गए, बिल्कुल सीख कबाब आ जाएंगे, तो फिर बिरयानी हो जाएगी, फिर मटन पुलाव हो जाएगा, फिर जो वेजिटेरियन है उन्हीं के लिए वो काबली चना पुलाव हो जाएगा। आपका तो फेवरेट जो मेन डिश कौन सी फेवरेट है? देखिए जी, मुझे अगर मीट की तरफ जाएँ तो मुझे लैम्ब चॉप अच्छी लगती है बहुत, और अगर आप करी की तरफ जाएँ तो आपको पता ही मेरी पसंदीदा दाल तड़का जो है ना, आपने अक्सर नोट किया होगा कि दाल तड़का की तरफ जो है बिल्कुल, लेकिन आपने देखा होगा कि दाल जो है उसका ट्रेंड आप जैसे लोगों ने सेट किया हुआ है वैसे आम तौर पर बड़ा कम होता है। मैं पिछली दफ़ा जब पाकिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ तो इस्लामाबाद के बड़े रेस्टोरेंट में हम खाने के लिए गए, जब मैंने देखा तो मेन्यू पे दाल का जिक्र ही नहीं था, तो मैंने जब जिक्र किया तो वो कहता है भाईजान आप क्या बात कर रहे हैं यार, तो दाल तो कोई खाता ही नहीं है। एक ट्रेंड भी बन जाता है कभी कभी, लेकिन जब आपने दाल की बात की तो अगर आपका तल्लक खारिया गुजरात से है तो वहाँ पर जी टी रोड के ऊपर मियाँ जी की दाल जो है ना वो तो बड़ी बड़ी मशहूर है। पाकिस्तान होते थे तो हम जेलों से स्पेशली जो है ना मियाँ जी की दाल खाने के लिए हम काफी अरसे से पॉपुलर सोशल मीडिया, तो भाई तब तो होता ही जो है ना दाल की रिजा मशहूर था, अभी तो उन्होंने काफी वो सेटअप बड़ा कर दिया, तो दाल का तो वहाँ जो मुख्तलिफ किस्म की दालें थी या एक ही खास, वो मिक्स बनाते थे जी, वो मिक्स उसमें चना भी होता था, माश भी होती थी और हर किस्म की दालें जो है ना, लेकिन उसका अपना टेस्ट था जो है दाल और रोटी के साथ आपने। तो दाल जो है ना वो मियाँ जी दाल के नाम, उसका नाम होटल का नाम मियाँ जी दाल है, मियाँ जी दाल मियाँ जी होटल है और मियाँ जी की दाल के नाम से वो ज़्यादा मशहूर था और बहुत लोग जाते हैं अब तो, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से अब अक्सर फेसबुक वगैरह पर ना बहुत से हमारे दोस्त जब भी पाकिस्तान जाते हैं ना तो वहाँ पर, मैं बात करूँ 80s की जो है ना, तो ये मेन रोड पर है जी टी रोड, जब जी टी रोड उसके ऊपर जा रहे हैं तो खारिया से कितना खारिया में है, खारिया लालू से दरमियान है जो, अच्छा दरमियान में, तो वो तो बिजी अब तो खा रहे। तो दाल आपकी फेवरेट है, मीठी चीज़ में कौन सी चीज़ आपकी फेवरेट है? अगर मीठी चीज़ तो फिर गाजर का हलवा, लेकिन वो गाजर का जो हलवा है ना वो सही जिसमें खोया पड़ा हो प्रॉपर किस्म का, वो यहाँ वो मिल जाता है, कम मिलता है, कम मिलता है, कम मिलता है जाना जाना, तो इतवाक हुआ खाने का यहाँ का जो प्रॉपर यहाँ मिल जाता है कुछ जगहों पे, वो नाम तो मैं नहीं लूँगा लेकिन कुछ जगह मिल जाता है जाना। चलें बाद में नाम से पूछ लेंगे प्रोग्राम के बाद के कहाँ जा सकते हैं तो ये तो बहुत सी बातें हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं इंशाल्लाह और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। आप भी अगर ईद की हवाले से हमें बताना चाहें तो ज़रूर बता सकते हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और इंशाल्लाह ब्रेक के फौरन बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी, मैं हूँ शकील सलाम और इस वक्त ईद की खसूसी नशरियात आपके लिए पेश की जा रही हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा थोड़ी देर तक, फिर इसके बाद कुछ और प्रेजेंटर आते रहेंगे रात देर तक और आपके लिए ईद की बहुत सी बातें होंगी, आपसे भी बातें सुनी जाएंगी। अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं और हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, जो भी तरीका आपके लिए आसान है। कहाँ पर हैं, कैसी ईद मना रहे हैं और बचपन की कुछ यादें अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या फिर ईद का कोई मैसेज हमें उम्मा चैनल को या उम्मा
कि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हमारी कम्युनिटी हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर एहसानुल हक साहब मौजूद हैं जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, कुछ गपशप भी हो रही है, उसके बाद कुछ सेहत के हवाले से भी बातें हो रही हैं। तो वज़न बड़ा मसला है हमारी कम्युनिटी में जी जी, क्योंकि आपने कहा कि खाने पीने में तो हम भी पेट पूजा ग्रुप भी तो खाने पीने में मारे लेकिन उनका वज़न नहीं बढ़ता। तो इसका मतलब है कि हम हरकत जो है ना, हमारी हरकत जो है वो कम हो रही है। आपने बहुत सी बातें की कि अब हालात हैं कि हमारे पास ये जब सहूलतें ज़्यादा होने लगती हैं ना तो फिर हमारी जो हरकतें हैं एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं। जी सही बात है। फिर कुछ हम मौसम पर भी बहाना करते हैं, लेकिन एक डॉक्टर साहब हमारे पास आए थे तो वो कह रहे थे कि देखो अंग्रेज़ लोग हैं वो गर्मी हो सर्दी हो तूफान हो आंधी हो बर्फ़ हो वो घूमने चले जाते हैं, हमें क्या तकलीफ़ है जी। तो इसका फिर क्या इलाज है, क्या हम कर सकते हैं? देखें जी, इसमें हिम्मत करनी पड़ेगी, हिम्मत। और दूसरी यह है कि अगर आप ये एक्टिविटी शुरू कर जाए ना तो आपको एक किस्म की एडिक्शन हो जाती है। बिल्कुल, अगर आप कोई एक्सरसाइज करें कोई एक्टिविटी करें तो आप कुछ फ्रेश फील करते हैं उसके बाद जो है ना, तो अगर आप वो छोड़ देंगे तो आपको फिर सुस्ती पड़ जाएगी। आप कहेंगे नहीं, वो एडिक्शन जब हो जाएगी ना आपको जो है ना, तो फिर आप अगर छोड़ना चाहें फिर भी छोड़ सकेंगे जो है ना। तो थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, उस जो है ना मोटिवेशन में होना पड़ेगा। ये मोटी का लफ्ज़ मोटी मोटा होने के कम होने का मोटिवेशन से आप आपको एक मिसाल दूँ, मैं जब लाहौर में काम करता था तो हमारा ऑपरेशन थिएटर में एक असिस्टेंट था, यकीन माने कि इतना वो मोटा था कि वो चंद कदम चले तो उसको सांस फूलने लग रहा उसका जो है ना। तो मैंने देखा कि उसका वज़न जो है ना वो अचानक कम हो रहा है जो है ना, कुछ अरसे बाद देखा तो बड़ा वो स्मार्ट हुआ था। और जब वो थिएटर में बैठा होता था ना वो गाज वगैरह ये वो लेके ना, वो सिर्फ बैठ के काम करता था, वो चल के काम नहीं करता होता। तो मैंने देखा वो बड़ा कुछ 6 महीने पढ़ के मैंने देखा उसको बड़ा वो स्मार्ट एक्टिव। तो मैंने उसे पूछा, यार तुम्हें कोई बीमारी है क्या, तुम्हें वज़न तुम्हारा एकदम कम हो गया? कहता नहीं डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं है, कहता है मेरी मंगनी हो गई है। और मेरी मंगेतर ने मुझे कहा कि शादी तब करूँगी जब तू पतला हो जाएगा तो वज़न कम करेगा। कहता है कि वो आपको पता नहीं था, आपको पता है फोर्टी स्टेडियम के पास उसका घर था, वहाँ से वो सरसी जो मैं हमारा हॉस्पिटल होता था वो वहाँ से पैदल आता था, पैदल आना और पैदल जाना, उसी से उसका वज़न जो है ना वो कम हो गया। कहता है कि अब मैं इतना फ्रेश फील करता हूँ, इतना फ्रेश फील कर डॉक्टर साहब आप इमेजिन नहीं कर सकते, अब तो मेरा दौड़ने को दिल करता है जो वो बात मोटिवेशन की है। तो और मोटिवेशन से मुझे ये भी याद है कि अक्सर लोग जब शादी कर लेते हैं तो फिर घर में नए नए पकवान बनते हैं और उनका वज़न बढ़ने लगता है। तो ये भी एक कंडीशन है, क्योंकि हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन में, उन्होंने काफ़ी अर्से तक काम किया, कायम जैदी उनका नाम है, लंदन से उनका ताल्लुक है। तो अक्सर कहते थे कि हमारी बहनें जो हैं वो प्यार प्यार में हमें बीमार कर रही हैं, हमें वो तली हुई चीज़ें, हमें वो ऐसे पकवान दे के रही हैं, तो वो प्यार में हमें दे रही हैं लेकिन वो उनके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, हमें डायबिटीज़ हो रही है, हमें जोड़ों का दर्द हो रहा है। तो ये जोड़ों का दर्द जो है इसके, ये अर्थराइटिस जिसे कहते हैं, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्यों मैं अर्थराइटिस होता है? दर्द जो है ना कई किस्मों का है। जो हम डील करते हैं हम तो उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे कि हम सिंपल वर्ड में वेयर एंड टेयर कह सकते हैं उसका करते हैं। दूसरे लोगों को रूमाटॉइड आर्थराइटिस पता नहीं उसको क्या गठिया बोलते हैं या क्या, या गाउट गठिया बोलते हैं, गाउट भी होता है। तो कई वजूहत है उसकी, तो वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका तो वो फिजिशियन ही इलाज करते हैं। वो ऑटो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी में जिसकी वजह से होते हैं। हमारा जो फील्ड है बेसिकली ये वेयर एंड टेयर के साथ इसका तल्लक है, तो उसको हम सर्जिकली मोस्ट ऑफ टाइम जो है ना वो मैनेज करते हैं जो है ना। लेकिन दूसरी टाइप्स तो और हैं जो है ना। तो ये जो आर्थराइटिस है इसका तल्लक वज़न के साथ है, वज़न से है, वज़न से डेफिनेटली है। तो वज़न कम होगा तो हमारी, देखिए जी आपको मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि एक बंदे को आप सिर्फ 20 किलो का वज़न दे दें, उसे कहें कि तुम सारा दिन उसको उठा के फिरते रहो, उसकी बॉडी जो है ना कितनी देर में जो है ना उसको बर्दाश्त करेगी? मेरे ख्याल में 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे बाद वो कहेगा इसको उठा के मैं फेंक दूँ नीचे। तो जो लोग 40 किलो 50 किलो ओवर वेट होते हैं तो वो तो अपनी बॉडी के साथ जुल्म कर रहे हैं जो है ना, क्योंकि ये वही एग्जाम्पल है कि वो उनकी जो घुटने जो हैं और उनके टखने जो है ना वो वेट लेके चल रहे हैं हर वक्त जो है, तो वो सारा टाइम लोडेड।
तो उनके गाड़ी अगर आप जो है ना वो हर वक्त जो है ना वो लटका उससे सस्पेंशन भी ख़त्म हो जाते हैं ना, तो इंसानी जिस्म भी ऐसा ही है, तो वज़न का तो बड़ा तल्लक है, वज़न का तल्लक है, बड़ा तल्लक है। खाने पीने की बात करेंगे कि आज ईद है, इसका नाम भी मीठी ईद के नाम से कहते हैं, तो मीठी ईद से अगर कोई डेंटर से बात करें तो वो कहेंगे आपके दांत ख़राब हो जाते हैं, कोई डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट से बात करें तो कहेंगे कि ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। आइए चलते हैं हमारी लाइन की तरफ, इस वक्त हमारे साथ डार्विन से डॉक्टर मुजफ्फर, परवेज़ मुजफ्फर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। ईद कैसी गुजरी? बस गुजर रही है। बस गुजर ही गई है और अब मरीजों के पीछे पड़े हुए हैं, क्या करूं, लोगों को सेहतियाब रखना तो है ना। तो मरीजों को आज तो नहीं आप ज्यादा मशवरे दे रहे कि खाना कम करें? आज तो छुट्टी है, आज तो उनको खाने दें। नहीं, वो तो पूरे रमजान करते रहे ना, तो एक दो दिन की छुट्टी। पूरे रमजान में क्या करते रहे जी, पूरे रमजान में तो भूखे रहे। तो डॉक्टर साहब आज आपने छुट्टी नहीं की? अस्सलाम वालेकुम। नहीं मतलब ये कि मुश्किल हो जाती छुट्टी करने से। ये हमारे जी ऑर्थोपेडिक सर्जन जानता हूँ मुजफ्फर साहब को, जो है ये मुजफ्फर साहब ये हमारे साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन है इस वक्त। तो आज आपने छुट्टी नहीं की? अहमद साहब बैठे आपके साथ। एहसान हुई, एहसान मिस्टर हक, एहसान उलग साहब हैं जी। एहसान उलग साहब बैठे हुए ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हैं अपने हॉस्पिटल में। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज तो आप तो मरीजों को तो बताते रहते हैं कि ये ना खाएं, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? और मुझे ये भी पता है कि आप बड़ा अच्छा खाना बना लेते हैं, ये अलग बात है कि आपने इनवाइट नहीं किया हमें बड़े अरसे से। मेरी जो फेवरेट डिश असल में भिंडी गोश्त है। अच्छा हाँ, भिंडी गोश्त, अच्छी भिंडी गोश्त बनी और साथ में गर्म रोटी हो तो क्या बात है। और मीठे में क्या पसंद है आपको? मीठे में, मीठे में तो कम ही खाता हूँ, लेकिन अगर गाजर का हलवा तो अच्छा होता है। गाजर का हलवा जी, ये सारे फेवरेट हो गए जी, गाजर का हलवा। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रॉपर वाला। और फिर स्टार्टर में क्या क्या लेते हैं? स्टार्टर में मुझे दही बड़े या छोले वगैरह टाइप। दही बड़े और छोले, वाह याद कर। और ईद पे कैसे आप, ईद का आगाज कैसे होता है? जाहिर है कुछ पकवान वगैरह बनते हैं, तो आपकी फेवरेट ईद की फेवरेट डिश क्या है? ईद के दिन तो हम वो बचपन से जो ये होता रहा है कि ये जो छुआरे जो होते हैं ना, डेट्स, ड्राई डेट्स, उसको मेरी वालदा दूध में डाल देती थी सुबह के वक्त, तो उससे वो ईद का भी एक रोज़ा होता है ना थोड़ी देर के लिए, घंटे एक दो के लिए जब आप उठते हैं सुबह, तो हम उससे जो है सो वो मस्जिद जाते थे उसको खा के, तो अभी तक मैंने वही ट्रेडिशन रखी हुई है। माशाल्लाह, दो चार छुआरे डाल के दूध के अंदर, जो कि सेमी स्किम्ड होता है ऑब्वियसली। आप तो डॉक्टर हैं, सेमी स्किम्ड ही कहेंगे मुझे पता है, कहीं ना कहीं हेल्थ एलिमेंट ले आएंगे उसमें। तो उसके अंदर फिर हम करते हैं, फिर नमाज के बाद फिर थोड़ी कुछ सेवैयाँ वगैरह, शीर खोरमा वगैरह, वो तो खाना पड़ता है, तो उस दिन जाहिर सी छुट्टी हो जाती है, सबके लिए छुट्टी हो जाती है, सब लोग को ये अलाउड है कि थोड़ा बहुत खाएं, जिनको अगर कुछ है, अगर डायबिटीज वगैरह तो ज़रा कम खाएं, लेकिन खाना सभी ने थोड़ा बहुत इंशाल्लाह ताला। तो ईद के रमज़ान, पूरे रमज़ान में हमारे बहुत से भाई जो हैं उनने 18-19 घंटे बगैर सिगरेट के गुजारा किया है, आज उनको थोड़ी सी छुट्टी मिली है, लेकिन क्योंकि उनकी एक रूटीन सी बन चुकी है, तो हाँ। क्या वो वाकई सिगरेट अब ख़त्म कर सकते हैं? क्योंकि एक महीना अगर उन्होंने इतना सब्र किया तो क्या मशवरा देंगे उन्हें आप? मेरा ख्याल है कि दिस वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो कोई भी नहीं है, कि जो आपको किसी चीज़ की अगर आदत है तो उस आदत को छोड़ने के लिए अगर एक महीना आपने उसको नहीं की वो आदत, तो अगर आप उसको छोड़ दें तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपको एक पहले मंथ का जो आपको इनिशियल पीरियड वो गुजर गया, तो क्या फ़ायदा उस दफ़ा दोबारा जाने का। मेरा तो यही मशवरा होगा कि जो एक दफ़ा छूट गया, अल्लाह का शुक्र अदा करें और बोले अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी आदत ख़त्म हो गई है, और दिस इज़ द गोल्डन टाइम एक्चुअली टू स्टॉप इट। और ज़ाहिर है रमज़ान के बाद हमें बड़ा डिसिप्लिन मिला, हमें थोड़ी सी आदत ज़रा कम होगी ज़्यादा खाने की, तो आज के बाद क्योंकि आज तो ईद का दिन है, थोड़ी सी तो गुंजाइश होनी चाहिए, लेकिन क्या मशवरा देंगे ईद के बाद हमारे बहन भाइयों को क्या करना चाहिए कि अपना वज़न को मेंटेन कर सकें, खाने पीने में एहतियात करें और अपनी सेहत को बेहतर रख सकें, ख़ास तौर पर
हमारी कम्युनिटी में बहुत सी डायबिटीज़ में मरीज़ लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, बहुत से हमारे लोग जो हैं जिनको दिल की बीमारी या दूसरी बीमारियां हैं, तो उनको क्या मशवरा देंगे आप? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज जो है ईद का दिन है और कल भी कुछ लोगों ने ईद की, तो बेस्ट ये है कि आप अपना वेट कर लें कि आपका इनिशियल रमज़ान के बाद क्या वेट है, और उस वेट को एक टारगेट बना लें कि ये जो मेरा वेट था रमज़ान में, अक्सर लोगों ने 3 से 8 किलो के बीच में जो सो वज़न कम किया होगा, बिल्कुल, तो इस वज़न को आपने जो कम किया है ये तो उस वज़न को आप देख लें कि ये मैंने इतना वज़न कम कर लिया है तो इस वज़न को मैंने मेंटेन करना है और इसको और कम करना है, ये नहीं करना है कि वापस उस वज़न पे चले जाएं जो कि आपके रमज़ान से पहले था, तो दैट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सेकेंड ये कि रमज़ान में लोगों ने जो पानी का इस्तेमाल और लिक्विड का इस्तेमाल ऑब्वियसली ज़्यादा करते हैं क्योंकि 3-4 घंटे के अंदर आपको सारा पीना पड़ता है, तो उस आदत को जारी रखें कि लिक्विड को ज़्यादा लेते रहें। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रमज़ान के अंदर आपने देखा होगा कि लोग जो है वो जब खाना खाते हैं तो खाने के अंदर जो फ्रूट्स जो होते हैं वो काफ़ी होते हैं, अक्सर लोग जो इफ्तार के टाइम जो होते हैं उस टाइम हर घरों के अंदर फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो अगेन वो जो फ्रूट जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा साथ में रखें, तो ये सारी चीज़ें जो रमज़ान में की हैं तो वैसे ही उसको जो सो मेंटेन करना चाहिए, और मेंटेन करने के लिए चूँकि हम ये कर चुके हैं उसको मेंटेन करना बहुत ही आसान हो जाता है। बिल्कुल जी, और बड़ी अच्छी आपने बातें की। कैसा रमज़ान कैसा गुजरा और ईद कैसी गुजरी आपकी? रमज़ान हर एक का ये ख्याल था कि चूँकि इस दफ़ा लॉन्गेस्ट डे भी रमज़ान में लाइक लास्ट 3 ईयर्स से वो 21 जून तो आ ही रहा था, और एक का ख्याल था कि बड़ी मुश्किल होगी, और रमज़ान से एक दिन पहले अगर आपको याद होगा तो बड़ी गर्मी थी उस दिन 33 डिग्री, तो अल्लाह की रहमत थी कि जिस दिन पहला रमज़ान हुआ तो उस दिन टेम्परेचर 17-18 हो गया, उसके बाद वो मेंटेन करते रहे, आखिर में 2-3 दिन गर्मी हुई थी, तो इस दफ़ा रमज़ान पता ही नहीं लगे। हकीकत यह कि इस दफ़ा के रमज़ान, अभी मैं डॉक्टर आना से यही बात कर रहा था, हम बैठे थे कहीं, वो कहने लगे यार ये 4 हफ्ते गुजर गए पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ है, और बाकी सब सारे लोगों के साथ ऐसे ही महसूस हुआ कि रमज़ान बस गुजर ही चला गया। जी अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि इस वक्त आप सर्जरी में हैं और बिज़ी हैं और बहुत से आपके काम भी हैं और ईद का दिन भी है और आपने फैमिली के पास भी टाइम गुजारना है, तो जाते जाते क्या पैगाम होगा इस वक्त हमारे बहुत से बहन भाई यूके और यूरोप हैं आपकी बातें सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा से छोटा सा मैसेज होगा, जो कुछ आपने मेंटेन किया रमज़ान के अंदर, चाहे फिजिकली मेंटली इमोशनली रिलीजियसली, आप उसको मेंटेन करें, और क्योंकि ये जो पहले 4 वीक का जो इनिशियल पीरियड होते किसी भी चीज़ के लिए वो गुजर गया है और आप आदी हो गए उसके, तो जस्ट मेंटेन द गुड हैबिट। बिल्कुल जी, और इस खूबसूरत पैगाम के साथ मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर परवेज मुजफ्फर आपका कि आप आए और हमारे से बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज। ये थे जनाब डॉक्टर मुजफ्फर साहब, माशाल्लाह इस प्रोग्राम में कई दफ़ा हाजिर हो चुके हैं, और वो सर्जरी में थे जी इस वक्त, टीवी नहीं देख रहे थे इसलिए उन्होंने आपको शायद पहचान नहीं सके, और दूसरा है कि एक डॉक्टर एहसान साहब भी हैं वहाँ पर, मैं पता जानता हूँ उनके साथ ही एहसान अहमद जो है ना, वो अहमद साहब भी, लेकिन वो टीवी पे नहीं आते जी, वो उन टीवी से उनको जैसे खौफ नहीं आते, वो उनको खौफ है, हालांकि बड़ी सपोर्टिव हैं और जब भी बातें होती है आते रहते हैं, बड़ी बड़ी उनके पास नॉलेज है, नॉलेज है, लेकिन टीवी का कहते हैं भाई टीवी पे मैंने नहीं जाना, डॉक्टर मुजफ्फर को ले जाएं जिस मर्जी को ले जाएं मैंने नहीं जाना, बड़े ज़बरदस्त आदमी है, बड़े ज़बरदस्त, बहुत अच्छे अखलाक के आदमी हैं। तो ज़ाहिर है ईद का अपना एक मज़ा होता है, तो आप क्या समझते हैं जो ईद की जो अब कुछ कोशिशें भी हो रही हैं कि ईद जो है ना यहाँ पर भी बाहर पार्क में की जाए, लेकिन यहाँ का मौसम इजाज़त नहीं देता, देखें कल भी बारिश हो रही थी, आज तो मौसम कुछ बेहतर है, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हालांकि कोशिशें हैं कि ईद पार्क में गट्ठे मिलजुल के की जाएं, क्या आप समझते हैं कि ये ट्रेंड जो है किस कोई आगे बढ़ेगा और इसमें कुछ है? मेरा नहीं ख्याल के कि जो मौसम देखें, जो हालात देखें, जो कल्चर देखें कि इतना बढ़ेगा बढ़ेगा, पहली बात यह है कि ईद तो पहले एक दिन कर लेना सबसे बड़ी बात जो है ना जी, हमें ईद एक दिन पहले करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, तो एक दिन अगर ईद हो जाए तो उसके बाद फिर जो है ना वो बाकी सिलसिले आगे बढ़ सकते हैं, और ईद ये तो फिर मेरे ख्याल में पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा कि ईद एक दिन होगा इंशाल्लाह आस्ता आस्ता, अभी हालात बेहतर हो रहे हैं, वैसे अब देखें जो है ना काफ़ी
कुछ ना कुछ टाइम आया था, ये रमजान तो एक दिन शुरू हुआ, हाँ एक दिन शुरू हो गया, ये भी तो एक अचीवमेंट है ना। यहाँ पे तो उलमा को हर किसी चीज़ पे मुतफिक हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। अच्छा एक मज़े की बात है, हमारे भाई शफीक हैं वो जो यहाँ पर प्रेजेंटर भी हैं और काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, वो कहते हैं कि रॉशटेल में जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी मसाजिद हैं, जितने भी मुख्तलिफ तबके के लोग हैं, वो सब उन्होंने मिलकर एक कमेटी बना रखी है और वो कहते हैं कि हमने एक दिन ईद करनी है। ये आप मिसाल देखें, ये बर्मिंगम, साउथ टाउन, वॉल्सल जो है ना, वहाँ भी जो है ना उन्होंने थोड़ा सा रजिस्ट किया शुरू में, लेकिन बाद में जो है ना वो सब ने एक दिन ईद कर ली, वहाँ भी एक दिन ईद हुई है। और काफ़ी शहरों में जो है ना, बहुत से शहरों में इजाफा हुई है, कर ली एक दिन जो है ना, थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ लेकिन बाद में जो है ना मिल बैठ के उन्होंने फैसला कर लिया, तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसी होना चाहिए जो है ना। बिल्कुल, तो जाहिर है डॉक्टर साहब, क्योंकि यहाँ पे तो हमें प्रॉब्लम है कि चाँद तो यहाँ कोई देख नहीं सकता, बड़ा इम्पॉसिबल है। कोई ज़माना था उन्होंने कोशिशें की, कोई हेलीकॉप्टर लेके बोल्टन के आगे पीछे फिरे, लेकिन मुश्किल है जो है ना, तो बहुत मुश्किल है। उसमें कोई मोरक्को फॉल करता है, कोई साउथ अफ्रीका करता है, कोई सऊदी अरब करता है, तो इनको किसी चीज़ पे जो है ना एक जगह इत्तफाक होना चाहिए। चलें जी, ये तो शायद हमारी ज़िंदगी में अल्लाह करे हो जाए। तो खाने पीने की बात हो जाए तो आप ब्रैडफोर्ड कौन कौन से शहरों में अब अपना आपका ग्रुप जो है वो जा चुका है, हर जगह जा चुके हैं या? हम प्रेस्टन, प्रेस्टन में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, मैनचेस्टर में, मैनचेस्टर में तो माशाल्लाह, ब्रैडफोर्ड, ब्रैडफोर्ड तक जा चुके हैं। अब हम पहली दफ़ा अटैक कर रहे हैं बर्लिन के अंदर, बर्लिन में पहली दफ़ा अटैक, क्योंकि वहाँ पर इतनी वरायटी नहीं है, लेकिन एक आध रेस्टोरेंट खुले हैं। और अभी हमारे एक साथी हैं, उन्होंने कहा कि हडर्सफील्ड अच्छी जगह है, वहाँ पर भी हम। और फिर डिशेज़ के बीच देखें, हमारी वालदा मोहतरमा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, एक दफ़ा मैं उन्हें रेस्टोरेंट में ले गया तो वो कहने लगे कि ये क्या है, वो नाम जो सुने ना, ये चिकन जलफ्रेजी और ये जो नाम थे, वो कहते हमने कभी ये नाम नहीं सुने, तो चिकन था जो ये चिकन सालन, ये मुर्ग का सालन हो जाए या साग या गोश्त या सब्ज़ी या दाल, दालों के नाम पे वो सब्ज़ियाँ बनती थी, लेकिन आजकल तो वैरायटी। और फिर दूसरी ये है कि वो डिशेज़ भी तवा डिशेज़ निकल रही हैं, फिर वो मिक्स ग्रिल जो है आजकल आ रही है, और वो वैरायटी ऑफ चीज़ें जो है ना एक्सपेरिमेंट हो रही हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। उसमें भी जो है ना, मैं बताऊँ, मेरा मैं फॉलकर्क में था शुरू शुरू में आया ना कुछ अरसा वहाँ पे, तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, तो वो इत्तफाक से मेरा बचपन का जो है ना वो स्कूल फैलो निकल आया। अच्छा, तो उसकी वो लंबी जैसा बता रहे हैं ना कि इतने दिन नाम जो है ना, तो वो नाम सुने कभी नहीं थे, तो मैंने फिर उससे क्वेश्चन किया, उसने अपने गांव के नाम से भी एक जो है ना डिश बना दी थी। तो मैंने पूछा, कहता कि अपने गांव को मशहूर करने के लिए मैंने इस डिश का नाम रख दिया जो है ना। मैंने कहा फ़र्क है? कहता फ़र्क जो है ना बड़ा मामूली फ़र्क है जो है ना। कहता शाम चीज़ें हमने इकट्ठी की होती हैं, उसमें कुछ थोड़ा ज़्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं, तो वो नाम तो काफ़ी हैं, लेकिन वो आप समझें कोई खास डिफरेंस आपको फील होता है, मेरे ख्याल में इतना होता नहीं है जो टेस्ट की बात होती है, फिर लोग वो यूज्ड हो जाते हैं, वो नाम जो है ना वो फिर पहचान बन जाता है ना। तो उसने कहा कि मैं अपने गांव के नाम से एक डिश रख दी है, और ये बहुत कुछ ट्रेंड हो रहा है। ये देखें ना, कुछ जैसे मद्रास डिशेज हैं या फिर कोई कश्मीरी डिशेज हैं, जैसे कश्मीरी चाय जो है, कश्मीरी चाय पसंद है जी, ठीक बहुत सी बातें करेंगे जी, बहुत सी बातें करेंगे, और ये ईद का सिलसिला शुरू होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा बताइए कि क्या समझते हैं खाने पीने में जो चेंजेस आ रही हैं, क्या हमारे लिए बेहतर चेंजेस हैं या इसमें कुछ है? नहीं, अब देखें, इसमें चेंजेस तो आ रही हैं। व्हाट्स यहाँ जो है ना, अब कल बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है और लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं, इसमें नुकसानात के अलावा फ़ायदे भी बढ़े हैं। लोगों ने जो है ना, अब देखें कि मैसेज बड़े बड़े अच्छे आते हैं मैसेज, ये फिजी ड्रिंक्स के बारे में जो है ना, और उसका लोग असर ले रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना लोग इन चीज़ों से सबक ले रहे हैं, और मेरे ख्याल में ट्रेंड है जो है ना, लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रही है आहिस्ता आहिस्ता कि हेल्दी जो खाना कौन सा है, किसको हमने अवॉइड करना है, तो बड़ी अच्छी बात है। एक कॉल ले लेते हैं जी, ये इस वक्त बोल्टन से हमारे साथ है अजीज भाई, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जी। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड, रियल गुड। हाउ वाज योर ईद? ईद एक्सीलेंट। ऑलराइट, गुड। डिड यू हैव सम फेवरेट डिशेस एंड डिड यू हैव प्लेंटी टू ईट? हेलो, हेलो देयर, या गुजर गया? ओके, अच्छा
Would you like to ask any question? We got a surgeon here and... Yeah, I would like to ask a question that, you know, what does Mr. Ulhaq do for patients? You know, many of our patients who come for knee replacement surgery, they don't want to start mobilizing. They don't do any rehabilitation immediately after the operation. How does he encourage them? Can you repeat the question again? You're talking about knee or hip? Knee surgery, yeah. Knee surgery. Yeah. People who've had the operations. Yeah, yeah. Are you talking about arthroscopy? Are you talking about knee replacement? Or generally, you're asking about management plan. Hello, can you hear us? Hello. Yeah, I'm talking about people who've had knee replacement surgery. Yeah, and yeah. Then they say that they want to lie in bed for about 6 months before mobilizing. How do you encourage them, you know, because that is not a good thing, isn't it? Aziz, I couldn't understand you. You're talking about the people who have a knee replacement, and what after that? Right. कह रहे हैं कि ठीक है अजीज साहब, थैंक यू वेरी मच. आप सुनते रहिएगा क्योंकि आप टीवी पे भी देख रहे हैं और इसलिए थोड़ी सी आवाज़ में गड़बड़ आ रही है, लेकिन आपका आवाज़ समझ आ गया. वो पूछ रहे हैं कि जब नी रिप्लेसमेंट के बाद जब बंदा घर आता है तो उसको मशवरा दिया जाता है कि आप काफ़ी रेस्ट करें. नो दैट्स नॉट राइट. यू नो व्हाट हैपेंस दैट आवर पीपल दे टेंड टू टेक रेस्ट, लेकिन उसमें होता ये है कि हम जब ऑपरेशन करते हैं वहाँ पे, ऑपरेशन के बाद उनकी असेसमेंट होती है अगले दिन, डे आफ्टर. फिजियोथेरेपी उनको देखते हैं और वो उनको जो है ना चला के उनका स्टे टेस्ट करके तो फिर वो घर भेजते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे बंदे हैं ना, वो जाके ना ऑपरेशन के बाद वो बेड पे लेट जाएंगे, वो मुझे अलाउ नहीं, चलाओ नहीं, तो वो बड़ा प्रॉब्लम है. उनको जो है ना वो मोटिवेशन चाहिए उनको. फिर ये होता है कि ये बुज़ुर्ग होते हैं, बुज़ुर्ग जो है ना वो जब बच्चे आ जाएंगे जी, वो आप चले ना जी, बैठ जाएं जी, दर्द होगा ये है वो भी फिर उसका एडवांटेज ले लेते हैं. तो उसमें बेस्ट हो जाए कि जितना चलें वो बेहतर है जो है ना, आस्ता आस्ता जो है ना मोबिलिटी जो है ना बढ़ाएंगे उनको. इंडिविजुअली एडवाइज होगी क्योंकि हर एक अपना अपना सर्कमस्टेंसेस होते हैं. कुछ लोगों को शायद ज़्यादा रेस्ट नहीं करनी अगर बैठे हुए फिर भी उसको आप जो है ना नी को वो हरकत में रखें, क्योंकि वो कहते हैं हरकत में बरकत है. डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब माशाल्लाह लोग सवाल भी करने लगे थे क्योंकि ये ईद का शो है और बहुत से दूसरे प्रेजेंटर भी आएंगे. हमारा वक्त जो है इख्तिताम पर है. मैं आपका अपनी तरफ से, उम्मा चैनल की सारी टीम की तरफ से, एक तो आपको एक बार फिर ईद की मुबारकबाद देता हूँ और दूसरा बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ना एक आखिरी कॉल ले लेते हैं भाई, मुझे बताया गया. चलें जी जाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम, ईद मुबारक आपको. ईद मुबारक आपको जी, क्या हाल है जी? खैर मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैंने सवाल पूछना था, जरा गौर से सुनिएगा मेरा सवाल. ये ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट है ये डॉक्टर साहब बैठे हैं जी. जी अच्छा, मैंने इनसे बताना था कि मेरा जो है ना फ्रैक्चर हुआ था फिबिया और टिबिया जी. जी तो उसमें उन्होंने मेटल प्लेट्स लगा के फिक्स किया. उसके बाद मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही है ना, वो एक तो मैं रनिंग नहीं कर सकता और दूसरी मैं नमाज नहीं बैठ के पढ़ सकता, कुर्सी पर पढ़ता हूँ. तो आपका टिबिया का और फिबुला का फ्रैक्चर हुआ था, किस लेवल पे हुआ? ऊपर हुआ था या टखने के पास हुआ था? टखने के पास हुआ था. अच्छा, तो वो आप प्लेटें डाली या कि रॉड डाला था? प्लेटें पड़ी हुई है, मेटल प्लेट्स, वो भी पड़ी हुई है. दोनों साइडों पे? नहीं, एक साइड पे. बाहर वाली साइड पे, अंदर वाली साइड पे? बाहर वाली साइड पे. बाहर वाली साइड पे. तो अंदर वाली साइड से मतलब अगर टिबिया का फ्रैक्चर हुआ होगा लंबा, उसमें फिर आपका वो जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी? आपको नहीं पता? जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट का मुझे नहीं पता, लेकिन वो है कि उसने मूवमेंट खत्म की हुई और मैं नमाज कुर्सी पे पढ़ता हूँ. अच्छा, वो उसमें होता ये है जी कि डिपेंड करता है कि आपका फ्रैक्चर कितना बुरा था. तो मेरी काफी नास्टी फ्रैक्चर था, लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एक तो मैं जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, अभी नर्सिंग कर रहा हूँ मैं भी जी. तो मैं एक थोड़ा सा ज्यादा चलता हूँ तो स्वेलिंग हो जाती है, प्लेटें पड़ी हैं. तो मैंने अभी डिसाइड किया कि अगर हड्डी जुड़ गई है, मैं यंग एज है मेरी अभी 23, तो मैंने कहा प्लेटें निकाल दो मेरी, तो उसके बाद मैं फिजियो रेगुलर जो फिजियोथेरेपी है वो करता हूँ, तो होपफुली मैं बेटर हो जाऊंगा. ऑपरेशन कब हुआ था आपका? ऑपरेशन मेरा मई 2015 में हुआ. 15 में, अभी काफी टाइम हो गया. तो उसमें दो साल हो गए. तो उसमें ये होता है कि अगर फ्रैक्चर हो ना काफी, जिसे हम कहते हैं कम्युनिटेड, उसमें के काफी पीसीज वगैरह हो, उसको अगर फिक्स करें तो फिर बंदे को आर्थराइटिस जो है ना वो एंकल का हो जाता है. तो ये एंकल की स्टिफनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है.
तो उसमें ऑपरेशन के बाद तो ये स्वेलिंग जो है ना वो काफी अरसे तक रहती है, कई बार जो है ना एक साल भी रह सकती है। तो उसमें ये दो साल हो गए ना, कि मेरा मसला ये, मैं नमाज में बड़ा भी यंग एज है, तो मैं कुर्सी पे बैठ के मैं कहता हूँ वो जब मैं नीचे बैठता हूँ ना उसमें मुझे प्रॉब्लम होती है, बाकी तो मैं सजदे में भी चला जाता हूँ, सब कुछ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोशिश करें जी उसको आप जितना मूव कर सके ना, कोई एक्टिवली पैसिवली जो होता है कि आप बैंडेज जो पाँव से बांध के खींचे उसको ऊपर और नीचे जितना करेंगे उसमें आपकी स्टिफनेस जो है वो बेहतर हो जाएगी। अगर फिर भी प्लेटें निकालने का क्या ऑप्शन, आप क्या करें अगर रेडी जुड़ गई है? मैं कहता हूँ प्लेट जो है देखें, अगर प्लेट से आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, कई बार स्क्रू जो है ना वो फील होना शुरू हो जाते हैं, तो उस सूरत में आप मेटल वर्क जो है निकाल सकते हैं। आपको दो साल हो गए ऑपरेशन को, तो वो निकाला जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उससे आपको फ़र्क पड़ जाए। लेकिन अगर वो जिसने आपको ऑपरेशन किया है ना उसके आप दोबारा फॉलोअप लें, तो सम टाइम जो है ना अगर आपके एंकल में आर्थराइटिस हो गया तो आपको वो फुट एंड एंकल को रेफर भी कर सकते हैं, वो आपको देख लेंगे। कई बार वो एंकल का आर्थराइटिस हुआ है तो उसकी फिर मैनेजमेंट, वो कहते हैं प्लेटें पड़ी ने एक में आपको इंजेक्शन देते हैं, पता नहीं वो क्या होता है उससे कुछ इंजेक्शन जी, वो आपके जो टखने में एंकल के अंदर इंजेक्शन देते हैं ना अगर आर्थराइटिस हो गया तो। हाँ, उससे उसका क्या वो ठीक है, ले लूं या नहीं? हाँ, ले लें वो इसे मैं कह रहा हूँ कि आप जो है ना रेफर करें फुट एंड एंकल सर्जन को जी, तो वो फिर आपकी फर्दर मैनेजमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप वक्त बिल्कुल अपने अख्ताम पे है, हम इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपने आज तो पूरा हमारा सेहत का प्रोग्राम बन गया, हालांकि ईद के हवाले से आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत आपने कीमती वक्त दिया और लोगों के सवालों का जवाब दिया। मैं तमाम बहन भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, ईद के बारे में बात की और फिर सेहत के हवाले से भी। इससे पता चलता है कि सेहत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इंशाल्लाह सेहत का प्रोग्राम लेकर हर एतवार को 2 बजे आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। प्रोग्राम ये ईद का जो स्पेशल ट्रांसमिशन है वो जारी रहेगी, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद नए जो प्रेजेंटर हैं वो आपका साथ देते रहेंगे रात देर तक, और थोड़ी देर बाद हमारी नेक्स्ट टीम जो है आपकी खिदमत में हाज़िर होगी। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।